इस साल अगर बात करें तो लगभग लगभग 25 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा है। अब अगर ये एग्जाम देने के लिए लगभग 23.5 लाख बच्चे भी चले गए तो सिलेक्शन जिसका होगा गवर्नमेंट कॉलेज में वो होंगे तकरीबन 50,000 बच्चे, क्योंकि इतनी ही सीटें इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। दो साल की जर्नी में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है मोटिवेशन की, कि बच्चे इनिशियली आते हैं 11वीं क्लास में तब तो इस मोड में रहते हो एकदम जेईई नीट सब फोड़ फाड़ देंगे, ठीक है, दो महीने बाद सब जोश गायब हो जाता है, एक महीने बाद सब जोश गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोल मॉडल नहीं बनाते। आपके रोल मॉडल हनी सिंह बादशाह, ये एलविस यादव, ये बना लिया आपने, तो वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता आपके। आप पीतल हो पातल सुनो, कृष्ण की चेतावनी है किसी ने सुनिए तो, ऐसी चीजें सुनो, हूँ भूख मरू हूँ प्यास मरू, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाले में भटकूं पर मन में माया दीदी याद रहे, तो वो एनर्जी फील करते हैं। युद्ध में सबसे तेज तलवार वही चलाता है जो दिमागी रूप से शांत है। अगर आपको दिमाग बहुत तेज चलाना है तो शांत होना पड़ेगा। आपने देखा लट्टू को घूमता हुआ देखा, जब लट्टू बहुत तेज घूम रहा होता है, टायर बहुत तेज घूम रहा होता है, लगता है रुका हुआ है, जो शांत है वही सबसे तेज है, जो घबरा गया वो कुछ नहीं कर सकता। बुक्स में देखो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर आप कैसे कैसे एग्जांपल देते हो, मैंने कहा मैं रियल एग्जांपल्स देता हूं, जो मैं देखता हूं मैं वही बात करता हूं। एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स इन इंडिया। इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी, इफ यू वांट टू क्रैक जेईई, यू वांट टू क्रैक नीट, यू वांट टू एसएससी, कुछ भी एग्जाम आपको क्रैक करना है तो एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी बड़ी बोरिंग है, और इसलिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने कुछ एनसीईआरटी की डेरिवेटिव बुक्स बना दी है, जिसमें से एक का नाम है एनसीईआरटी निचोड़, एक का नाम है एनसीईआरटी फील, एक का नाम है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। ये सारी किताबें हम लोग हैं जिन्होंने इंडिया में पहली बार एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट बनाया। और इतना ही नहीं, एक समय था जब हम लोग आज के 7-8 साल पहले कोटा से स्टडी मटेरियल लेने जाते थे कि कोटा के टीचर्स के नोट्स लेके आते हैं, आज कोटा के टीचर्स और कोटा के बच्चे हमसे कंटेंट मंगवाते हैं। सही है क्या माइक? सही लग रहा सर? 5 मिनट मैडम के लिए लाइव स्टार्ट कर दें। हेलो 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 ठीक सर, लोग आएंगे पहले सर को बोल दीजिए, बुला दूँगा, बोल क्या हुआ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का आज के सेमिनार में, सेल्सियस प्रांगण में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। कहते हैं कि जीवन की शुरुआत, कहते हैं जीवन की शुरुआत या किसी एग्ज़ाम की शुरुआत या किसी एग्ज़ाम की तैयारी
अगर प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हो जाए तो सफलता हमसे दूर नहीं रह सकती है। और आज का जो सेमिनार है वो इसलिए रखा गया है कि जो भी आपका ड्रीम है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो कैसे बन सकते हैं, आप कैसे एग्ज़ाम को पहले ही प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, उन सभी का डिस्कशन आज के इस सेमिनार में किया जाएगा। सबसे पहले मैं नीट की गाइडेंस के लिए, जो कि नीट का एग्ज़ाम देने से आप डॉक्टर बनेंगे, हिंदुस्तान की इस पावन धरा पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप में कार्य करता है। तो नीट की तैयारी के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या करना है, और सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात कि हमें क्या नहीं करना है, जिससे हम पहले ही प्रयास में नीट क्रैक कर सके, उसके लिए मैं डॉक्टर हिमांशु ओझा सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां डॉक्टर हिमांशु ओझा सर के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू कि आप यहाँ आए, क्योंकि कहते हैं ना कि आज के ज़माने में बातें करने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन सुनने के लिए लोग बहुत कम बैठे हैं। और एक अच्छा लिसनर जो अच्छे से सुनेगा, वो ही इम्प्लीमेंट कर सकता है, वही चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जितने लोग आप अपने आस पास देख रहे हैं इस सेमिनार को, केवल इतने से लोग ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, इस सेम समय पे 4 अलग अलग कमरों में ये सेमिनार चल रहा है, जिसमें आप बैठे हैं ये आप हमें लाइव देख रहे हैं, बाकी जो भी आपके सामने कैमरा है और यहाँ से हमारे इसी ब्रांच पर 2 रूम्स और ऐसे ही 2 रूम्स वैशाली नगर में हैं, जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे साथ में बैठ कर के देख रहे हैं इस सेमिनार को, सुन रहे हैं आपकी तरह। तो सुनने वाले जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सबको पहले तो वो बधाई के पात्र हैं। बात करते हैं नीट की, जेई के लिए अभी अनुराग सर भी आपको गाइड करेंगे, मैं आपको नीट के लिए मेनली गाइडेंस देना चाह रहा हूं। और गाइडेंस क्या है, देखिए ऐसा कुछ हम स्पेशल नहीं बता सकते जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन वो चीज़ों को रिकॉल करा सकते हैं जो आप जनरली भूल जाते हैं जिस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब नीट में क्या सिलेबस रहता है ये आपको पता है, एनसीईआरटी क्या है आपको पता है, पढ़ना क्या है वो भी पता है, 720 मार्क्स का पेपर होता है, आजकल कट ऑफ 610 से ऊपर जाती है जनरल कैटेगरी के लिए हम कह रहे हैं, तो भाई ये सारी बातें आप जानते हैं। इस साल अगर बात करें तो लगभग 25 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा है, जिनको नहीं पता वो पता भी चल जाए, 24,81,000 बच्चों ने इस साल नीट का फॉर्म भरा है। अब अगर ये एग्जाम देने के लिए लगभग 23.5 लाख बच्चे भी चले गए, तो सिलेक्शन जिसका होगा गवर्नमेंट कॉलेज में वो होंगे तकरीबन 50,000 बच्चे, क्योंकि इतनी ही सीटें इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। 23.5 लाख अगर बच्चे देते हैं और केवल 50,000 बच्चे ही गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच पाएंगे, तो उन 23 लाख बच्चों का क्या आप ये कह सकते हैं वो 23 लाख बच्चे वो थे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि उन 23 लाख में से भी कई सारे बच्चे वो होंगे जिनके नीट में 500, 550, 600 इनसे ज़्यादा नंबर थे, यानी उन्होंने पढ़ाई तो की है लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई। अब वो कमी क्या होती है, क्यों वो 50,000 बच्चे सेलेक्ट हो पा रहे हैं, तो हमको केवल ये समझना है कि ऐसा हमें क्या करना है कि हम उस 50,000 की लिस्ट में आ पाएं, और हमें वो क्या नहीं करना है जिससे हम वो 23.5 लाख बच्चों की लिस्ट में न आए, वहां पर नहीं आना है हमें। तो कुछ डूज और कुछ डोंट की हम बात करते हैं नीट के लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले डूज यानी कि क्या हमें करना चाहिए, वहां से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस पे आ जाते हैं भाई,
होता क्या है ना, एक बहुत अलग हटके बात है लेकिन एग्री करेगा वो बच्चा जिसने नीट की तैयारी की है, कि आपको पूरे साल कभी भी एक मिनट भी खुद पे आप ये नहीं निकालते कि हम नीट का सिलेबस ऑफिशियल क्या है वो निकाल के देख लें। वो भी तब देखते हैं जब एनएमसी ने चेंज किया सिलेबस, है ना। और हर कोई आके आपके सामने बता रहा है भाई एनएमसी ने सिलेबस चेंज कर दिया, तब हमने उठा के देखा है सिलेबस। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम जाते हैं एनसीईआरटी जो हमने देखी है बस उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्लास में टीचर जो भी पढ़ा रहा है हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, अच्छी बात है टीचर को फॉलो करना, लेकिन हम अपनी तरफ से ये नहीं देखते हैं कि एक्चुअल सिलेबस है क्या, जो कि ऑफिशियल सिलेबस होता है। अब इससे क्या नुकसान है, तो भाई मैं बता सकता हूं उन बच्चों की जो कभी ना कभी कोटा घूम करके आए हैं, घूमने का मतलब होता है एक साल 3-4 लाख खर्चा, है ना, बहुत सारा स्ट्रेस लोड ये सब लेके जो आए हैं, वो अच्छे से जानता है बच्चा कि वहां पर कई सारे टीचर्स इतना ज्यादा लिखा देते हैं जो कि किसी भी तरह से आपके नीट में नहीं आने वाला है। यानी नीट का सिलेबस अगर ये है तो आपको वहां पर इतना लिखा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि जो टीचर सामने खड़ा है उसे अपना रिव्यू चाहिए, एक उसको बच्चों की नजर में महान बनना है, उसे ये दिखाना है कि भाई मुझे बहुत सारी नॉलेज है, इसलिए वो नीट लेवल की जगह पीएचडी लेवल तक का पढ़ा देता है। और बच्चा क्या करे, उसे तो पढ़ना है क्योंकि वही टेस्ट में आएगा। पेरेंट पूछेगा भाई नंबर कितने आए, बच्चा बोलेगा मेरे तो 400 नंबर आए, पेरेंट उसे डांटेगा ये पूछे बिना कि बेटा कितना टेस्ट में क्वेश्चन ऐसा था जो आपके रिलेवेंट था, एनसीईआरटी बेस्ड था। पेरेंट को नहीं पता ये सारी बातें, वो सीधा डांटेंगे, वो कहेंगे बेटा रैंक कौन सा आया, बच्चा कहेगा ये तो इतना ऊपर है, यानी 3 डिजिट में 4 डिजिट में पहुंच रहा है। पेरेंट सोचता है हम तो पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहली चीज होती है कि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी करिए। इसलिए जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी देखते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, ये जरूर देखिए कि वहां ऐसा ना हो कि आपका सिलेबस का पहाड़ बना दे, जितना है उतना ही करना है रिवीजन। हम अभी कुछ दिन पहले एक कानपुर से बहुत बड़ा नाम है जिनका, आए थे हमसे मिलने के लिए, YouTube पे उनका चैनल भी है, वो हमारे से इंटरव्यू लेने आए थे। तो बातों ही बातों में उन्होंने एक बात बताई, हमें रिक्वेस्ट भी की, बहुत समय से हमारे साथ ही हम लोग बात भी करते रह रहे हैं उनसे, तो वो पिछले एक साल से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कानपुर में आइए, यहाँ अपना सेंटर खोलिए। इस बार जब वो फिजिकली हमसे मिले तो उन्होंने इसके पीछे का रीज़न बताया, और रीज़न कुछ ऐसा था कि सर हमारे कानपुर में ना कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना सिलेबस ही पूरा नहीं करवाता है। हमें बहुत शॉकिंग लगा, और उसके बाद जब हमने जानना चाहा तो हमें पता चला कि यस दिस इज द रियल ट्रुथ ऑफ मैनी सिटीज, नॉट ओनली कानपुर, बहुत सारी सिटीज की ये दिक्कतें हैं कि वहाँ सिलेबस ही पूरा नहीं होता है। मई में नीट है, अप्रैल तक भी उनका सिलेबस पूरा नहीं होता, कई चैप्टर रह ही जाते हैं। जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा रिविजन कैसे करोगे? तो भाई सिलेबस पहली चीज है, दूसरा है रिवीजन करना। आप रिवीजन चाहे आप वापस सारी चीजों को पढ़ के करिए, जो कि पढ़ना तो है और समय समय पे भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको टेस्ट भी उतने देने पड़ेंगे जो जरूरी हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो अब होता क्या है, जनरली जो बच्चा पढ़ा है नीट के लिए वो कोरिलेट कर पाएगा कि सपोज करिए आपने आज कोचिंग शुरू की, अगले 15 दिन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का एक एक चैप्टर, बायो में तो 2 भी हो जाते हैं लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं आपको कि तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 15 दिन में। अब आप क्या करेंगे, उन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे, टेस्ट होगा, टेस्ट भी दे लेंगे। 3 महीने बाद चैप्टर्स की संख्या हो जाएगी 5-5 या 6-6 मान लीजिए। अब वो पहला पहला चैप्टर है ना आपको याद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने रिवाइज ही नहीं किया उसे टाइमली। दूसरी बड़ी गलती जो नीट का बच्चा करता है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाता है, वो है समय पे रिवीजन नहीं करना। अब आपको क्या चाहिए, हर 7 दिन में आपको उस चीज को पढ़ लेना चाहिए जो 7 दिन पहले पढ़ी थी। तरीका बता देता हूं मैं, आज जो पढ़ा आज का आज पढ़िए, कल जो पढ़ा नेक्स्ट डे, उस दिन सेम डे का पढ़कर आज वाला वापस रिवाइज कर लीजिए। यानी दूसरे दिन भी आपने पहले दिन का रिवाइज किया, तीसरे दिन भी आप उसे लेके चलिए, यानी 3 दिन तक एक चीज को रिवाइज करते चाहिए। अब आपके दिमाग में वो बस गया है थोड़े टाइम के लिए, अब आप अगले 10 या 15 दिन बाद उसे वापस रिवाइज कर लीजिए, फिर 1 महीने बाद वापस रिवाइज कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप नीट तक जाएंगे आप उसे 10 बार रिवाइज कर चुके होंगे और वो चीज आपके दिमाग से कभी निकलेगी नहीं।
यहां हम गलती करते हैं और हम क्या करते हैं, रिवीजन प्रॉपरली टाइम टू टाइम नहीं करते हैं। एक चीज को नीट तक केवल 2 से 3 बार पढ़ पाते हैं और जब भी पढ़ते हैं हमारे लिए वो 0 से शुरुआत होती है क्योंकि हम वापस भूल चुके होते हैं उसे। फिर बात आती है PYQs की। अधिकतर बच्चा आज भी नीट का एग्जाम देने पहुंच जाता है लेकिन उस दिन तक उसने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व नहीं किया होता है। अब PYQs दो तरह के हैं, एक है चैप्टर वाइज और एक है ईयर वाइज। देखिए आपने ऐसी बुक्स, एक चैप्टर वाइज भी देखिए और एक ईयर वाइज भी देखिए। चैप्टर वाइज बुक क्या होती है, जहां हर चैप्टर में दे रखे हैं कि पिछले 10 साल 20 साल 30 साल में ये क्वेश्चन आए थे। जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, लेट्स से आज आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पहला चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, वैसे भी जो पढ़ाया है डेली जाकर के पढ़ना चाहिए और डेली फिजिक्स केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए। बायोलॉजी चाहे तो आप पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो आप क्या करें, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस समय PYQs चैप्टर वाइज साथ साथ में कर लें। लेकिन जिस समय आपका सिलेबस पूरा हो जाए, यानी जनवरी फरवरी, जब भी आपका सिलेबस पूरा हो जाता है नीट का, अब नीट से पहले 2-3 महीने आपके पास हैं, अब आपको क्या करने चाहिए, अब आपको ईयर वाइज पेपर्स करने चाहिए। अब अगर आप ये पूछोगे सर डिफरेंस क्या, हमने तो क्वेश्चन पहले भी किए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर लिया, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, तो आपका दिमाग पहले से तैयार है कि इलेक्ट्रोस्टेट के क्वेश्चन है सारे वही क्वेश्चन है, चाहे 100 करो 200 करो 300 करो, दिमाग के पास सारे फॉर्मूले एक जगह पे इकट्ठा है और वो वही निकाल के देता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप ईयर वाइज क्वेश्चन करोगे, आपने 2012 का पेपर उठा के देखा नीट का, अब उसमें एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट से, एक सीधा NLM से, एक सीधा सर्कुलर मोशन से, एक कुछ और है, तो क्या होगा, अब दिमाग को एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सही टाइम पे सही फॉर्मूला निकाल के देना होगा और वही तो दिक्कत है। नीट 5 मई को होगा, 5:20 पे पेपर हो जाएगा, शाम 7 बजे मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं इंडिया के 2 लाख बच्चे 720 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे शाम 7 बजे। लेकिन 5:20 तक कितने बच्चे कर पाते हैं, 1, 2, 3, उनके तो 720 पूरे आते हैं। यानी सही समय पे सही चीज बाहर कब निकलेगी, जब आपको उतनी प्रैक्टिस होगी। तो PYQs दोनों तरह से, चैप्टर वाइज और ईयर वाइज, आपको करने हैं और ना केवल एक बार, कम से कम 3 बार नीट से पहले करने हैं। ये क्या है भाई, ये कुछ अलग है, DWAR। ये नाम यहां बैठे डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर ने दिया है, एक प्रोडक्ट उन्होंने निकाला डायरी के फॉर्म में, क्योंकि हमने बचपन से सुना है डायरी भरनी चाहिए, अच्छी आदत होती है। अब डायरी में लिखें क्या, आज हम फलाने से मिले, आज उसने मुझे गुलाब दिया, ये तो नहीं लिखना चाहिए ना। लिखना क्या चाहिए, आपके जिस एज में आप लोग हैं क्या लिखना चाहिए, वो सर ने बताया यहां पे। इन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग है, एक डायरी है जिसमें हर एक शब्द का एक मीनिंग है। इसको हम दो नाम से जानते हैं, हम कहते हैं इसे सफलता का द्वार, DWAR मतलब द्वार, ये आपकी सफलता का द्वार है। दूसरा हम इसको कहते हैं डेली वॉर, लड़ाई, ये हमारे प्रतिदिन की लड़ाई है, डेली वॉर है। क्या है यहां पर डी, तो डी का मतलब है व्हाट आई डिड, मैंने आज क्या किया, सोने से पहले लिखना है हमें कि मैंने आज क्या किया। व्हाट आई विल, W से होता है विल, मैं कल क्या करूंगा, मेरे पास कल की प्लानिंग होनी चाहिए। व्हाट आई अचीव्ड, मैंने आज ऐसा क्या किया जिसको मैं अपना अचीवमेंट मानता हूं आज का। एंड व्हाट इज माय रिग्रेट, आज मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरी भूल है और मैं मानता हूं कि वो मैंने गलती की है। अगर आप डेली सोते समय यह भरना शुरू कर देंगे, इसकी एक डायरी है, आप चाहें तो खुद के कागज पे भी घर पे कर सकते हैं, डायरी के फॉर्म में हमने इसे निकाला है, एबीके सर का यह आइडिया रहा है और पूरे इंडिया में बच्चे इसे खरीदते हैं, रोज भरते हैं। और जो हमारे कोर्सेज में है, मैं आपको बता देता हूं, हमारे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन टोटल मिलाकर 2023 में लगभग 78,000 बच्चों ने हमसे कुछ ना कुछ परचेज किया, चाहे हमारा ऑनलाइन बैच किया हो, ऑफलाइन बैच किया हो, हमारी टेस्ट सीरीज की हो, यानी डायरेक्टली 78,000 बच्चे हमसे कनेक्टेड रहे हैं 2023 में, लास्ट ईयर का डेटा है दिसंबर तक का।
अगर हम इसमें YouTube वीडियोस जोड़ दें तो फिर तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। हम उसको इनडायरेक्ट मान रहे हैं, जो हमको 10 लाख 15 लाख बच्चे हमारा अगर वीडियो देख रहे हैं तो हम उसको नहीं काउंट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं डायरेक्टली वो सारे बच्चे जो हमारे टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन ऑफलाइन होते हैं, ये हमें DWAR भर के रोज दिखाते हैं। दिखाएगा कौन? जो सीरियस बच्चा है भाई। मैं ये नहीं कहूंगा सारे बच्चे 78,000 बच्चे भेजते हैं, अगर ऐसा होता तो सबका सिलेक्शन हो जाता, बट कितने आप सीरियस है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमने तो बता दिया, हमने मेथड दे दिया, हमने बच्चों को ये कह दिया कि ठीक है आप डेली भेजो, हमको बताओ, हम आपको बताएंगे बेटा आप क्या गलती कर रहे हो, आपको कल और क्या करना चाहिए, आज आपने क्या कम किया। लेकिन बच्चा भेजे वो सीरियस तो रहे इतना। तो ये है DWAR, हर बच्चे को भरनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं चाहे किसी भी उम्र का इंसान हो, आपके पेरेंट्स भी हो, उन्हें भी भरना चाहिए आज हमने क्या किया, कल हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, क्योंकि जो प्लानिंग करता है ना वही सफल हो सकता है। और मैं आपको एक रिसर्च बता दूं, एक रिसर्च में सामने आया, आप जाके सर्च कर लीजिएगा खुद से, एक रिसर्च में सामने आया है कि दो इंसान, दो लोग, अगर दोनों की उम्र बराबर है, दोनों सेम तरह की हार्ट डिजीज, यानी दोनों के हार्ट में ब्लॉकेज है और वो भी बराबर है, बिल्कुल बराबर परसेंटेज है, तो दोनों में से पहला इंसान अगर कल की प्लानिंग करके रात में सोता है और दूसरा इंसान के पास कल की प्लानिंग नहीं है, तो ये रिसर्च कहती है कि दूसरे इंसान के मरने की संभावना, रात में हार्ट अटैक आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। और इसलिए आपने कई बार सुना है कि हार्ट अटैक रात में आता है, वो सोया लेकिन सुबह उठा ही नहीं, रात में हार्ट अटैक आ गया। अधिकतर वो लोग जिनके पास कल की कोई प्लानिंग नहीं है उनके अंदर ऐसा होने की संभावना ज्यादा है। तो हमारे पास में प्लानिंग होनी चाहिए अगर हमको सफल होना है तो। अगली बात है, हमें यही नहीं पता होता है कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कितना कितना पढ़ना है। हम क्या करते हैं जनरली, वो जो 23.5 लाख बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो मेजरली क्या कर रहे हैं, बायो की किताब लेके बैठे हैं, हर समय बायो पढ़ रहे हैं। पेरेंट कहता है हमारा बच्चा तो 8 घंटे पढ़ता है, इसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। वो पढ़ रहा है लेकिन वो क्या पढ़ रहा है। तो आपके पास में ये भी होना चाहिए कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कितना पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक रेशियो है, अगर आप बायो को डेली 1 घंटा दे रहे हो तो केमिस्ट्री को 2 घंटा और फिजिक्स को 3 घंटा देना पड़ेगा। यह 1:2:3 का रेशियो है, यह आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपका जो नंबर है, स्कोर है, वो बैलेंस बनेगा। क्योंकि बायो का बच्चा है, कहीं ना कहीं उसकी मैथ्स थोड़ी बहुत वीक रही होगी। एक्सेप्शनल भी होते हैं कई बच्चे जिनकी फिजिक्स यानी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, उनकी बायो थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन मेजॉरिटी वो बच्चे हैं जिनकी बायो अच्छी है, जिनकी फिजिक्स कमजोर है। अब वो बायो को ही ज्यादा टाइम दे रहा है, जो अच्छा है उसको ज्यादा टाइम दे रहा है और जो कमजोर है उसको और कम टाइम दे रहा है, तो उससे क्या होगा, बायो में ले आएगा 300 नंबर 320 नंबर, पर फिजिक्स में जब 20-30 नंबर रह जाएंगे तो ओवरऑल उसका 400 रह जाएगा और उस वजह से उसका रैंक पीछे रह जाता है, बच्चा डिप्रेस होता है, पेरेंट कहता है पढ़ रहा है लेकिन नंबर नहीं आ रहे, ये है उसका एक रीजन। तो आपको इस रेशियो में पढ़ना चाहिए, अगर बायो 2 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर भाई केमिस्ट्री को 4 घंटे और फिजिक्स को 6 घंटे पढ़ो, इतना टाइम है तो दो। फॉलो योर टीचर्स एंड मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करते हैं हम, हमारे टीचर्स जो उनको फॉलो ही नहीं करते। आपके जो भी टीचर है, मेंटर है, उनको फॉलो करिए, उन्होंने जो पढ़ाया है समझिए, उनसे डाउट पूछिए डेली। और ऐसा नहीं कि मैंने इन टीचर को भी फॉलो कर दिया बायो के लिए, इनको भी फलाना यूट्यूब से भी, यहां से टेस्ट सीरीज से भी, तो हम क्या करेंगे, हम अपना सिलेबस बढ़ाता जाएंगे, हम कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, हम रिसोर्सेज बढ़ाते जाएंगे, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि रिसोर्सेज कम से कम रखो और रिविजन ज्यादा से ज्यादा रखो। इसलिए आप क्या करेंगे, अपने टीचर और मेंटर को फॉलो करिए, किसी एक को जो भी आपको पसंद आता है कि हाँ इनका कॉन्टेंट अच्छा है, और फिर उनके साथ लग जाइए। रेगुलैरिटी, बच्चे के साथ हमने क्या देखा, बच्चा तैयारी कर रहा है, अब पहले अटेम्प्ट में अगर सिलेक्शन देना है तो उसे रेगुलर रहना भी तो पड़ेगा। हर 4 दिन बाद में बच्चा छुट्टी ले लेता है, हो सकता है बीमारी की वजह से, हो सकता है कोई फंक्शन की वजह से, फेस्टिवल की वजह से, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर वो छुट्टी ले रहा है टाइम टू टाइम, मतलब उसका वो कॉन्टेंट छूट जा रहा है, अगले दिन जब वो क्लास में आता है उसे पता ही नहीं होता है कल पढ़ाया क्या, और जो आज की बात चल रही है उसके सर के ऊपर से बाउंसर की तरह से जा रही है। इसलिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा, ना केवल आना है, फिजिकली मेंटली भी आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है, कंसंट्रेशन रखना है, पूरा फोकस होना चाहिए, खुद के नोट्स बनाने चाहिए, डिसिप्लिन मस्ट है, डिसिप्लिन हर चीज में होता है। कई बार हम क्लास में क्या देखते हैं, बच्चा आया बहुत सारे अरमानों के साथ, बाल उसके बहुत बड़े बड़े हैं, पूरा दिन उसका ध्यान बालों में, बाल 2 वजह से बड़े होते हैं, एक तो साइंटिस्ट्स के होते हैं, उनके पास समय नहीं है,
पर वो अपने बालों पे ध्यान भी नहीं देते, किसी भी साइंटिस्ट को देना ढंग से बने हुए बाल भी नहीं होते, यही होता है ना। साइंटिस्ट दिख रहा है, बड़े बाल भी दिख रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से बने हुए नहीं, ऐसे ही बिखरे हुए हैं, उसके पास समय नहीं है। और दूसरा, वो बड़े बाल हैं, वो प्रॉपर हर दो मिनट में उसके बाल पे हाथ जा रहे हैं, ये भी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब यही नहीं होता है कि आप बातें कर रहे हो, डिसिप्लिन में हर चीज काउंट होती है। तो अगर आप जिस फील्ड में जाने वाले हो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको पता होगा आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वहां थोड़ा सा कोई शोर करेगा ना, सबसे पहले आप चिल्लाएंगे, चुप करिए इन्हें। और आज भी होता है, आप देखते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जिस जगह आप जाके लोगों को डिसिप्लिन सिखाएंगे, पहले आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। इसी तरह से पंक्चुअलिटी, क्लास में बच्चा लेट एंटर कर रहा है, 8 बजे की क्लास है, 8:10 पे बच्चा भागते भागते आया, जब वो भागते भागते आ रहा है ना, तो कम से कम उसके आधे घंटे पहले से ही उसका दिमाग अननेसेसरीली भाग रहा है, वो उस समय नहीं भाग रहा है, आधे घंटे पहले उसे पता है मैं लेट हूं, वो तब से भागना शुरू हुआ, हो सकता है रस्ते में कहीं टकरा जाए, कोई दूसरी दुर्घटना हो जाए, यहां जब तक पहुंचा उसके दिमाग में चल रहा है सर मुझे डांटेंगे, पढ़ाई दिमाग में नहीं है, कल क्या पढ़ा नहीं है, आज क्या पढ़ेंगे नहीं है, नई चीज पे काम कर रहा है। क्लास में पहुंचता है, डांट भी पड़ती है, बैठता है, अब उसे वापस स्टेबल होने में ही 15 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लेट था, 15 मिनट स्टेबल होने में लग गए, आधा घंटा गया उसका। और ऐसा हमने हर साल देखा है, 2 से 3 बच्चे क्लास में होते ही हैं। हमारे यहां तो हम उनसे सुधार देते हैं, हम क्लास में एंट्री नहीं देते, 1 मिनट लेट भी बच्चा जाए, 2 दिन ऐसा करेगा, तीसरी बार सुधर जाएगा, क्योंकि हम वो टीम है जो खुद डॉक्टर हैं, खुद IITians हैं, खुद NITians हैं, तो वो जानते हैं डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। हर साल इस लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से हमारे यहां से तो बच्चे भेज दिए जाते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाकर हम उन्हें रवाना कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए इस तरह के बच्चे जो इनको फॉलो नहीं कर सकते और बाकियों का ध्यान जो भटका दे। नेक्स्ट, अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं, प्रॉपर का मतलब भी होता है आपके एज में जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, 6 घंटे सफिशियंट, मैक्सिमम 7 घंटे ले लो, लेकिन ऐसा ना हो कि कई बार हम देखते हैं बच्चा रात में केवल 3 घंटे ही सो रहा है। दोनों तरह के एग्जाम्पल दूंगा मैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, केवल 3 घंटे सो रहे हैं, नंबर फिर भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि दिमाग तो रेस्ट मांगता है ना भाई, आप उसको अननेसेसरीली ओवरलोड करते जा रहे हो। तो जब क्लास चल रही है, आप फिजिकली प्रेजेंट हो, दिमाग सो रहा है, उसमें क्या होगा? आपके जो नंबर आने चाहिए कभी आएंगे ही नहीं, आपको चीजें, जो चीज याद करने में 1 घंटा लगना चाहिए आपको 2 घंटा लगेगा, आप वहां वेस्ट कर रहे हो, तो नींद पूरी लेनी है। दूसरे तरह के बच्चे वो होते हैं जो 9-10 घंटे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, फिर अलार्म को सुला रहे होते हैं, पहले अलार्म अपने को जगा रहा है, फिर अपन अलार्म को सुला रहे हैं, बेटा थोड़ी देर और सो जा, आधे घंटे मेरे को भी सोने दे, तू भी सो जा। दोनों ही तरह से खराब है, या तो कम स्लीप भी और ज्यादा भी, आप 6 से 7 घंटे सोइए। जो बच्चे को दिन में सोने की हैबिट है, ऐसे ही बच्चे होते हैं, क्लास लेके जाना है, घर जाकर के हम 1 घंटा सोएंगे, कोई बात नहीं, अगर आपसे बाकी टाइम अच्छे पढ़ाई हो जाती है, 1 घंटे आप सो लेते हैं, तो रात में 6 घंटे सो जाइए, टोटल मिला के 7 घंटे हो गए। और जो रेगुलर नींद होती है ना रात की, वो 6 घंटे अप्रोप्रिएट होती है, क्योंकि हमने अपने यहां पर ऐसे भी एग्जाम्पल देखे जहां बच्चे ने कम नींद ली, प्रॉपर खाना नहीं खाया, एक्सरसाइज नहीं की, और इन तीनों का परिणाम कुछ ऐसा था कि उसने 11th 12th बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, अच्छे नंबर भी आते थे, बट लास्ट में उसे माइग्रेन हो गया या कुछ और इस तरह की डिजीज हो गई, क्योंकि माइग्रेन का भी एक रीजन ये है, स्ट्रेस लेना, नींद कम लेना, ये सब, तो आप दूसरे प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। इसलिए नींद पूरी लीजिए, खाना अच्छा और हेल्दी खाइए, जब तक अपनी ये लाइफ चल रही है, मैं यहां पर स्टूडेंट लाइफ की नहीं कह रहा हूं, जो हमारी लाइफ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी फूड। आजकल हम जो जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, और वही रीजन होगा जब आप रेगुलरिटी तोड़ेंगे, बीमारी हो गई, नई क्लास प्रॉपर ले पाए, ये एक रीजन है। यूज ऑफ स्टॉप वॉच, ये क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ स्टॉप वॉच। कई बार हम बच्चों से पूछते हैं, बेटा आप कितने घंटे पढ़ते हो? बच्चा कहता है मैं 9 घंटे पढ़ता हूं सर। हम बोलते हैं क्लास लेने के बाद सेल्फ स्टडी आवर्स, बोलता है यस 9 घंटे सर। तो फिर एबी के सर ने ऐसे बच्चों को बोला कि बेटा आज जाकर ना आप क्या करना, केवल टॉप वॉच ले लेना, एक टॉप वॉच सब जानते हैं, जितनी देर सच में पढ़ रहे हो, सच में का मतलब सच में, उतनी देर इसे ऑन करना, जैसे ही आप कोई ब्रेक भी लेते हो इसे पॉज में डाल देना। बच्चा अगले दिन पहुंचा, सर ने बोला हाँ बेटा टॉप वॉच पे कुछ आया लिखा हुआ? बोला आया सर। क्या लिखा हुआ आया? बोले 4 घंटा। जो बच्चा कह रहा था मैं 9 घंटे पढ़ता हूं,
वो कहता है 4 घंटे ही पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि रियली तो वो 4 घंटे ही पढ़ रहा था, बाकी टाइम वो इधर उधर भी घूमने जा रहा था, वो पानी पीने भी उठ रहा था, वो सब काउंट कर लेता था पढ़ाई में। यानी स्टॉप वॉच का जो इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो वो समय को कम बर्बाद करते हैं, वो एक्चुअली समय का सही उपयोग करने लग जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, चाहे नीट का बच्चा हो चाहे जेई का, उसे करना चाहिए। देन गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली टू योर हॉबीज। ये और ये पॉइंट मैं एक साथ बोल रहा हूं, एक तो एक्सरसाइज और एक ये हॉबीज। बाकी जगह क्या दिक्कत है? आज आप कहते हो किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए कि उस सिटी को तो आजकल सुसाइड सिटी कहने लग गए, स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि क्लास में केवल मार्क्स की बात हो रही है, बच्चा मिल रहा है मार्क्स की बात हो रही है और कुछ बात ही नहीं हो रही है। पेरेंट पे फोन पे बात कर रहा है डेली आधे घंटे, मार्क्स की बात हो रही है, इन पे कोई बात नहीं करता। बेटा आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो, आप अपनी जो भी हॉबी है, किसी की गाना गाना हो सकता है, किसी की पेंटिंग बनाना हो सकता है, किसी की स्पोर्ट्स खेलना हो सकता है, कोई भी हॉबी आप आधा घंटा इसे परस्यू करिए। हम यहां पर ऐसा ही करते हैं, इसलिए हमारे यहां से जो बच्चा है ना हाईली मोटिवेटेड रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, खुश रहता है, तैयारी अपनी जगह पे है, लेकिन सेटिस्फेक्शन, जिंदगी का सेटिस्फेक्शन अपनी जगह। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डेली एक्सरसाइज भी करें, सुबह 15-20 मिनट आधा घंटा दो, उससे क्या होगा आपका बाकी टाइम सेव होगा। जो बातें आप जो पढ़ने के लिए जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं और आपको 2 घंटा लग रहा है, वो 1.5 घंटा ही लगेगा, वो वहां बच जाएगा आपका टाइम। इसलिए यहां जरूर टाइम दें और डेली अपनी जो भी हॉबी है उसे आधा घंटा दीजिए, जिससे आप भी खुश रहें। फिर बात आती है हमेशा खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स प्रेफर करिए। टीचर ने पढ़ा दिया, अच्छी बात है, क्लास नोट्स में आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, अच्छी बात है, लेकिन खुद से शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। खुद का लिखा हुआ बहुत समय तक रिवाइज कर पाते हैं, अच्छे से याद कर पाते हैं। और उसमें भी हम कहते हैं, जैसे एबीके सर ने पढ़ाया और आजकल उनका ये ट्रेंड भी चल रहा है, अभी कुछ यूट्यूब पे भी वीडियोस आए हैं, एक सिंगल स्लाइड में एक पूरा चैप्टर। उससे क्या होगा, आप एक ही जगह पे चीजों को लिखेंगे, समराइज करेंगे, रिवाइज करने में भी इजी है, ज्यादा टाइम तक याद कर पाओगे। तो आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद से बनाइए हाथ से, और उसे बार बार रिविजन करिए। यही बात आती है कि हम अपने मॉड्यूल्स, जो कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, जो भी एक को फॉलो करिए, उनके भी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व ही नहीं करते हैं कभी, हम पढ़ लेते हैं बस, आज हमने इतने घंटे पढ़ लिए, आज हमने ये कर लिया। जब हमने पूरे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए, हम कैसे उन 50,000 बच्चों की लिस्ट में आ सकते हैं, खुद से सोचिए। बहुत जरूरी है पढ़ना, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, टाइम पे इन सब चीजों का ध्यान दें जो हमने बात की डूज में, मतलब क्या आपको करना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसी भी कई चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए वो तो हम जानते हैं, क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसमें से आता है अवॉइड सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, पार्टीज, फंक्शन। इसको 2 तरह से लोग ले लेते हैं। हमने ये जब बात बोली तो कई लोग कहेंगे अरे इससे तो फिर स्ट्रेस बढ़ेगा ना, बच्चा तो बिल्कुल पढ़ाई में ही रह गया, ये तो करेगा ही नहीं। हम ऐसा नहीं कह रहे, समझिएगा बात को। हमारे यहां बच्चा जब दिवाली ब्रेक में घर जाता है, क्योंकि हमारे यहां 20 स्टेट से बच्चे हैं, 20 राज्यों से बच्चे यहां पढ़ने आए हुए हैं, इन्हीं क्लासों में बैठते हैं। हालांकि डिफरेंस ये है कि कुछ सिटीज में क्लासेस जो होती हैं 350 बच्चों की होती है, मतलब इतने बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं, हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकते। आप यहां देख पा रहे हैं ये क्लासरूम है हमारा, हम एक एक बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे यहां से जो बच्चा, क्योंकि 20 राज्यों से बच्चे हैं, घर वापस उनको भी ब्रेक्स में भेजना होता है, तो दिवाली वेकेशन हमने दिया, सपोज 7 दिन का दिवाली वेकेशन है, बच्चा घर गया, बच्चा वापस आके कहता है कि सर दिवाली वेकेशन पे हम घर गए, 7 दिन पूरा वेस्ट हो गया, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। दैट इज वॉट वी मेंट फ्रॉम फॉर फेस्टिवल्स। इट डजेंट मीन कि आप फेस्टिवल्स पे बिल्कुल घर से अलग हो जाओ, पापा मम्मी को कह दो मैं तो पूजा ही नहीं करूंगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। बट हम कह रहे हैं अननेसेसरी जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर हम दिवाली पूजा की बात कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा जिसमें आपने पूजा भी कर ली, आपने पटाखे भी छोड़ लिए, आप पूरी रात लगा लीजिए ना उस दिन का, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे से पूरी रात, दिवाली वाले दिन, होली वाले दिन, ईद वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन, जो आपको अपना फेस्टिवल मनाना है एक दिन चलेगा। लेकिन उस फेस्टिवल की वजह से अगर आपके 4 दिन 5 दिन 7 दिन खराब हो रहे हैं, उसे अवॉइड करना है हमें, बात को समझना भी है साथ साथ। सिमिलरली सेलिब्रेशन ही ना करें हम, अपना बर्थडे सेलिब्रेट ना करें, करो बच्चों, बट
आधा घंटा एक घंटा इनफ होता है, जब आप केक काट रहे हो, आप सबके साथ बैठे हो, आप हंसी मजाक कर रहे हो, ये काफी है। उस सेलिब्रेशन के लिए 5 दिन पहले से आपने प्लानिंग शुरू की, दोस्तों को इनवाइट किया, क्या क्या करना है उसी पे लगे हुए हो, पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करनी है उस पे लगे हुए हो, कपड़े कौन से लाने हैं उस पे लगे हुए हो, यानी सारा दिमाग तो आपका वहां चला गया, आपका 5 दिन वेस्ट हो गया। उसके लिए हम कह रहे हैं कि उसे अवॉइड करिए, सेलिब्रेट भी करिए, फेस्टिवल भी मनाइए, पार्टी भी करिए और फंक्शंस भी अटेंड करिए, बट केवल इतने से के लिए कि आपका चेंज भी हो गया, आपने अटेंड भी कर लिया, सब चीजें हो गई और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। घर में शादी होती है, कई बार बच्चे आते हैं कि सर हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे घर में शादी है, हमारे तो, और आपको पता है इंडियन शादी चुनाव से कम नहीं है, बहुत लंबा चलता है। जैसे अभी अप्रैल में चुनाव होने हैं तो 1 महीना पहले लिस्ट बाहर आएगी, फिर नामांकन पत्र भरेंगे, फिर वापस नाम लिए जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा, फिर रिजल्ट होगा। इंडिया में शादी भी वैसा ही है, कुछ 1 महीने का पूरा त्यौहार है। तो हम उसे अवॉइड करने की कह रहे हैं, वो फंक्शन अवॉइड करना है हमें। हम मेजर जो उसमें शादी का दिन है अटेंड करके आ सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, हम सब लोगों से मिल सकते हैं, हमने सब कर लिया, लेकिन टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इन चीजों पर ध्यान दें। ये तो भाई जहर है बच्चों के लिए। और बच्चा एक होता है ना, आजकल कहते हैं गुटके पे लिखा होता है, तंबाकू पे लिखा होता है, सिगरेट पे लिखा होता है कि ये कैंसर कॉज करता है, स्टिल लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने यहां पे लिख दी, हमको तो सर पहले से पता ही नहीं था, सब जानते हैं। जैसे ही कोई भी एग्जाम इंडिया में क्रैक होता है, जो टॉपर्स होते हैं उनका अखबार में इंटरव्यू आता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई आजकल ये कहता है कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, कहते हैं नहीं कहते हैं? हमें पता भी है, लेकिन हम फिर भी वो चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो चीज फॉलो नहीं कर रहे का मतलब हम जानते हुए भी सोशल मीडिया पे कई टाइम बिगाड़ देते हैं अपना, और उसमें क्या होता है, एट दी एंड साल निकल चुका होता है, लास्ट में हमको याद आता है कि भाई नीट आने वाला है, फॉर्म भर दिए गए हैं, अब क्या करें। इनसे बचिए, सोशल मीडिया आपको खराब करेगा, आपके काम का अभी नहीं है। सेलेक्ट हो जाइए, मेडिकल कॉलेज में पहुंचिए और फिर बाकी के मेडिकल कॉलेज वालों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, फ्रेंड्स बनाना, एंजॉय करना, दैट इज ओके। देन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार हमें क्या लगता है ना, हमको ऐसे बच्चे भी मिले जिन्होंने 2 साल बहुत अच्छे से तैयारी की, यानी 11th 12th में हमारी क्लास में वो बच्चा बैठा है, उसके नंबर 720 में से 670 680 तक आ रहे हैं। अब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। लास्ट में हमने उसको बोला बेटा ये 2 महीने लास्ट में जरूर आना, हम रिवीजन करवाएंगे। वो कहता है मुझे रिवीजन की क्या जरूरत है, मैं टीचर से ज्यादा जानता हूं, मैं तो 680 मार्क्स आ रहे, मैं तो इस क्लास का टॉपर हूं। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंट। और हमने हर साल ऐसे बच्चे देखे हैं, कई बार सेकंड ड्रॉपर जो होते हैं दूसरे साल ड्रॉप कर रहे हैं, वो ये समझता है कि पहले ड्रॉप में मेरे बायो में तो 370 नंबर आ गए थे, आ नहीं सकते ना 360 में से, बट वो समझते हैं मैं तो 370 नंबर आ गए थे, मैं तो बायो इतना अच्छे से जानता हूं, तो मुझे केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो की क्लास में मैं बैठूंगा ही नहीं। हर साल ऐसे बच्चे को हम पकड़ते हैं और उनका फिर सेकेंड ईयर भी वेस्ट हो जाता है। पहले साल तो सेलेक्ट हुए ही नहीं, दूसरे साल भी इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। हर चैप्टर को ये समझिए कि नया है। जब आप क्वेश्चन करते हैं, नीट में क्वेश्चन करने बैठते हैं, ये सोचिए हर क्वेश्चन नया है, वरना ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार तो आप कहते हो ना बाद में सिली मिस्टेक हमने कर दी, वो इसीलिए होती है। ये हम बात कर चुके हैं, जंक फूड को अवॉइड करिए, बीमार होंगे कई दिन वेस्ट जाएगा और फिर वापस रूटीन बनाने में कई समय लग जाता है। जितना समय बीमार होने में लगा आपको, 7 दिन अगर बीमारी रही तो 1 महीना लग जाएगा वापस रूटीन फॉलो करने में, तो इससे बचिए। और फिर ये बच्चे जो होते हैं रेगुलरिटी तोड़ देते हैं, बाद में परेशान होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी सर्दियों से जस्ट गर्मी आई है, हम आजाद हो गए, हम बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने लग जाएंगे, हम सीधा हर समय फ्रिज का गेट खोलते हुए ही पाए जाएंगे, इससे बचिए। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि गर्म पानी पीने से इतने लोग बीमार हुए या इतने लोग मर गए या इतने लोगों को ऐसा हो गया, कुछ नहीं होता। तो ये आपके दिमाग का वहम है कि ठंडा पानी पियोगे तभी गले को शांति मिलेगी। इस वजह से क्या होगा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, हम ठंडा पानी पी लेंगे, हमारी तबीयत खराब होगी, नीट आने वाला है या इस मौसम में आता है बस नीट, तो क्या होगा, हम रूटीन तोड़ देंगे, फिर परेशान होंगे। तो इन चीजों को बचना है, पूरे साल कोशिश करनी है नॉर्मल पानी ही पिए,
ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो हमारे तबीयत ख़राब कर सकते हैं। ये हमने बात कर ली ऑलरेडी, क्लास में लेट होंगे, बाद में इश्यूज होते हैं। ये क्या है भाई, डोंट मेक फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप बच्चा यहाँ आता है ना, हमारे पास तो हर अलग अलग स्टेट से बच्चा आ रहा है, तो जब वो आया है अकेला है, अकेला का मतलब अपने साथ किसी दोस्त को लेके नहीं आया है यहाँ पे, पर यहाँ आने के बाद दोस्ती हो जाती है उनकी। फिर वो बच्चे साथ में खाना खाते हुए भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे, कई बार हमको बाद में छुट्टी में शाम में रात में आसपास में घूमते हुए मिलेंगे। एट दी एंड वो क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो भाई जब तक आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आपको फ्रेंड्स को दूर रखना है जो हैं आपके क्लासमेट हैं। और कोई एक क्लासमेट ऐसा होना चाहिए जो रेगुलर आता हो, जो सर की सारी बातें सुनता हो, जो पूरी बातें नोट करता हो। कभी आप ना आ पाए साल में एक बार दो बार कभी, तो उससे आप पूछ सके बस इतना सा। इससे ज्यादा हमें किसी से अटैच नहीं होना है। फ्रेंडशिप्स यहां पर आपका स्कोर डाउन करती है, आपका सिलेक्शन रोकती है, दोनों लोगों का जो दो लोग फ्रेंड्स हैं, इनसे आप बचिए। ये हमारे पास कई बार ऐसे एग्जांपल रहे हैं। मैं 2017-18 के बैच को मेरे बहुत अच्छे से जानता हूं, जहां पे हमारे यहां पे 7 से 8 बच्चे थे ड्रॉपर बैच में, सारे के सारे सिलेक्शन लायक थे, सबके बहुत अच्छे नंबर आते थे, बट एक ही गलती थी, 7-8 बच्चे सारे साथ रहते थे, ग्रुप था उनका। तो ऐसे में क्या होता है, हर दिन हम कहीं मिल रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, एट दी एंड एक भी उनमें से सिलेक्ट नहीं हुआ उस साल। ऐसा एग्जाम्पल इसलिए मुझे याद है क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 7-8 में से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ उन ग्रुप में से, और उनसे नीचे वाले जो बच्चे थे वो भी सिलेक्ट हो गए क्योंकि वो डिसिप्लिन थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स नहीं बनाने जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो एक साल आपका इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज डोंट वेस्ट एनर्जी। एनर्जी बहुत सारे तरह की हो सकती है। आपके लेवल पे क्या होता है, आप कई बार बातें करने में इतने ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हो क्लास में दोस्तों से, वही वाली बात, अननेसेसरी बोलकर, जो हम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। चुप रहना अपने आप में बहुत बड़ा टूल है आपके लिए सिलेक्शन का। आपको क्या करना चाहिए आपके लेवल पे, चुप रहिए, एनर्जी स्टोर करिए, और फिर उस एनर्जी को कहां लगाइए, उस एनर्जी को अपने पढ़ाई में, सिलेक्शन में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, डाउट पूछने में, वहां पर लगाइए। तो अगर आपने अपनी एनर्जी बचाई और उसको सही जगह पे लगाना शुरू कर दिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बातें हमने जो की, ये वो डूज और डोंट थे जो नीट में अगर आप ध्यान रखें तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। आप उन 23.5 लाख बच्चों की लिस्ट से बाहर निकलकर उन 50,000 बच्चों की लिस्ट में आ जाएंगे जो नीट में गवर्नमेंट MBBS कॉलेज लेते हैं। नेक्स्ट ABK सर आपको गाइड करेंगे कैसे क्या समझना चाहिए चीजों को, नीट और JEE दोनों के लिए एस्पिरेंट्स को क्या करना है, कैसे सिलेक्ट होना चाहिए, और पेरेंट्स को भी क्या क्या चीजों की ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, अरे जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। इस बात को सार्थक किया है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर ने। आज अजमेर शहर में सेल्सियस की 2 ब्रांच है, और अभी तो अजमेर में नहीं कोटा में भी है, नीट काका JEE मेंटरशिप सेंटर कोटा मेंटर्स, और सीकर में भी नीट काका JEE का मेंटरशिप सेंटर है। कहते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड अजमेर में आते हैं, लेकिन आए पर कोई चला नहीं। पर सर के सपने ने, सर के जुनून ने अजमेर के एक ब्रांड को कोटा, सीकर और आने वाले वर्ष में हिंदुस्तान के हर एक राज्य में खोलने का सपना है। आज YouTube पर सर को सिर्फ नीट और JEE के एस्पिरेंट ही नहीं सुनते हैं, एक UPSC एस्पिरेंट, SSC एस्पिरेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्पोर्ट्स पर्सन और ना जाने कितने लोग सर को नीट काका JEE यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं, सर का कंटेंट फॉलो करते हैं।
और अपने सपने को साकार करते हैं। तो मैं मंच पर डॉक्टर अभिमन्यु कुमार सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएं और हमें ये बताएं कि जीवन में सफल कैसे होना है, जीवन में एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बनना है, एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है। डॉक्टर अभिमन्यु कुमार सर, जोरदार तालियां सर के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोग 10th क्लास से बिलोंग करते हैं, राइट? शायद हो सकता है कि हिमांशु सर थोड़ा सा ड्रॉपर ओरिएंटेड रहे, मुझे ऐसा फील हुआ, बट आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। और 10th में पास होने की उम्मीद मैं सभी से कर सकता हूँ। इसमें भी कई लोग अभी भी डाउटफुल हैं कि हो सकता है कि पास कर पाएं, हो सकता है ना कर पाएं। देखिए, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ बेसिक बातें हैं जो आपके साथ में डिस्कस करना है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो मेरे हिसाब से प्रोसीड करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं? ऑल राइट, और बाकी मैथमेटिक्स वाले हैं? कोई आर्ट्स वाला तो नहीं इधर? ठीक है, गलती से आ गया हो इन केस। ठीक है भाई, पेन पेपर कुछ लेके आए हैं आप लोग? देखिए, ये तैयारी जो है वो एक लंबा प्रोसेस है और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो पेरेंट्स के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप ये सोचें कि हमको 20 मिनट चीज़ें बताएंगे और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इट्स ए प्रोसेस और चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब तक पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं करोगे, पेपर पर चीज़ें नहीं लिखोगे, तो इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि हर कोई आपको ज्ञान दे रहा है, लेकिन आपके काम वही ज्ञान आया है जो आपने या तो मन में उतारा है या पेपर पे उतारा है। तो मन अभी आपका इतना मजबूत है नहीं कि आप मन में उतार लो, तो इसलिए पेन और पेपर आपके पास में अगर होगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ। वैसे हिमांशु सर ने काफ़ी बातें आपको बताई है। जेई एंड नीट प्रिपरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा है वो है पेरेंटिंग। मैं आप लोगों को कुछ समझाऊं उससे पहले आपके पेरेंट से बात करना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में जो महसूस किया वो मैं पेरेंट से साझा कर रहा हूं। एक्चुअली में होता क्या है कि 10th क्लास के पहले तक पेरेंट्स ने आपकी लाइफ में या आपके लिए इतना खर्चा नहीं किया होता है, ना आपकी फीस इतनी होती है, ना आपसे एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है। लेकिन जब 10th क्लास पास कर लेते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं एक वक्त गांव में रहता था और 9th क्लास में जब मैंने स्कूल अपनी चेंज करी तो मैं शहर में आया। तो जब मैं शहर में आया तो मुझे गांव के लोग कहने लगे कि भाई ये तो शहर में पढ़ने जाता है, ये तो पता नहीं क्या बनेगा। जैसे आप 10th के बाद में जब आप अपनी स्ट्रीम चूज करते हो कि यार मुझे IIT बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपसे आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है और साथ में आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है। आपको बोलना शुरू कर देंगे, और डॉक्टर साहब कैसे हो? हाँ, तो इट कॉजेज ए सर्टेन प्रेशर, सर्टेन स्ट्रेस।
और पेरेंट्स आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई कितना पढ़ रहा है, नंबर क्यों नहीं आ रहे, एंड सो ऑन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं दैट पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट कंफर्टिंग द पीपल, द कंफर्टिंग द चिल्ड्रंस। अपने बच्चों को सुविधाएं दे दो, यही पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। जब मैं पेरेंटिंग की बात करता हूं तो पेरेंटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्पेक्ट, इनवर्स टू द कंफर्ट। कंफर्ट आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने देखा हो नीम के पेड़ से जब कोई निम्बोली गिरती है और वो निम्बोली अगर नीम की छांव में ही हो तो कभी वो पेड़ नहीं बन सकती। पेड़ बनने की शर्त यह है कि उसको धूप सहनी पड़ेगी, बारिश झेलनी पड़ेगी, सूखा झेलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जिन पौधों को अक्सर संभाल के रखा जाता है वो कभी वृक्ष नहीं बन पाते। तो कंफर्ट आपको नहीं देना है, रेस्पेक्ट देना। और रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सुबह आपका बच्चा उठा और आप उसको दंडवत नमन कर रहे हैं कि जी हुजूर आइए, ये नहीं है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट जस्ट मीन्स कि आप उनकी चॉइसेस का, उनके डिसीजंस की वैल्यू कर रहे हैं। आज जब हम लोग बात कहते हैं कि बच्चा बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशानियां हैं उसे, लगभग हर शहर में बातें होती है, उसमें 99% जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे के रिश्तेदारों की, उस बच्चे के दोस्तों की, उस बच्चे के भुआ भुआ जी की, उस बच्चे के माँ बाप की है। क्योंकि वो टॉन्ट मारते हैं, और ऐसा जो बच्चे अब 10th से 11th में आएंगे उनको महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सब फेजेस में देख चुका हूं अपनी लाइफ में। शब्द बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक बार की बात, एक बहुत बेसिक सी कहानी आपको बताता हूं। एक लकड़हारा था, वुड कटर। तो वुड कटर जो था वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता था, लकड़ियां काटने जाता था, शांति से अपना काम करता था। तो जंगल के राजा से उसकी दोस्ती होगी, यानी कि शेर से। शेर उसे इंप्रेस हो गया कि अपना काम करता है, चुपचाप चला जाता है, किसी को कुल्हाड़ी से मारता भी नहीं है, एंड अच्छा आदमी है, दोस्ती हो गई। जब जंगल के राजा से दोस्ती हो गई तो जंगल का हर एक जानवर लकड़हारे को सपोर्ट करने लगा, क्योंकि जब राजा आपका दोस्त है तो हर जानवर को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हाथी उसकी लकड़ियां लेके जा रहा है, बाकी सब जानवर सपोर्ट कर रहे हैं, कोई उसको तंग नहीं कर रहा है। तो लकड़हारे ने एक बार शेर को कहा कि भाई आपके लिए घर पे भोजन रखा है, एक बार आप घर पे आइए। तो अपनी पत्नी को उसने कहा कि भाई मेरा दोस्त आने वाला है, उसके लिए खाना बिल्कुल तैयार रखना। वो दिन आ गया और शेर जो है वो दूर से आता हुआ दिखा, तो लकड़हारे ने अपनी पत्नी को बताया कि ये मेरा दोस्त है, आ रहा है। बोले ये जानवर तुम्हारा दोस्त है, ये खूनी, ये दरिंदा आपका दोस्त है। तो शेर ने बात सुन ली और वो चला गया बिना कुछ खाए, दूर से ही लौट गया। अगले दिन लकड़हारा फिर जंगल में पहुंचा तो शेर बहुत गुस्सा है, लकड़हारा उसे नजरें नहीं मिला पा रहा, वो नीचे देख रहा है। तो शेर ने कहा कि एक काम करो कि जो कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में है इससे मेरी पीठ पे वार करो। और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो लकड़हारा कांपता हुआ उसके पीठ पे कुल्हाड़ी चला देता है, फिर वहां से चला जाता है चुपचाप। 6-7 महीने बाद वो वापस मिलते हैं, और अब की बार शेर उसे कहता है कि बताओ कि तुमने कुल्हाड़ी कहाँ मारी थी, एक बार देखो देखे वो घाव है क्या। तो वहां देखता है तो उसको वहां घाव नहीं मिलता है। शेर कहता है लेकिन मुझे अभी तक तुम्हारी वो पत्नी के शब्द याद हैं जो उसने कहा था कि ऐसा घटिया दरिंदा तुम्हारा दोस्त है। तो कहीं ना कहीं जो हथियार होते हैं उनके घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भर पाते।
तीर खंजर तलवार और कुल्हाड़ी आपस में लड़ रहे थे कि कौन सबसे बड़ा घाव पैदा करता है, और शब्द पीछे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि ऐसा होगा, ये तैयारी आसान नहीं है दोस्त। इसमें मार्क्स आपके कम भी होंगे, आपका स्ट्रेस वाला फेज भी आएगा, आपको परेशानियां भी होगी, क्योंकि मैं आप में हवा नहीं भरना चाहता हूं। मैं आप में हवा भर दूं और उड़ने लगो कि बेटा बस आप आ गए हो, 2 लाख रुपए हमें दो, फटाफट से अभी आपका सिलेक्शन कराते हैं, ये बातें मुझसे नहीं होती। कोचिंग का योगदान सिर्फ 10% है, 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है और पेरेंट्स की है। वी कैन गाइड यू, वी कैन टीच यू, वी कैन मेंटोर यू, लेकिन अगर आप ही फोकस नहीं है, आप ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, आपके घर का माहौल ठीक नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूं मेरे वर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास में ये परेशानियां भी लेके आते हैं, तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं कम हो जाती है। तो पेरेंटिंग, देखो मुझे याद है जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने जेलन मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, अजमेर से ही, 2011 बैच से। जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक बार मैंने पेरेंट्स को कहा कि मुझे म्यूजिक सुनने के लिए iPod चाहिए, तो मेरे पापा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं मिलेगा। वो मैंने कंफर्ट मांगना चाहा, उन्होंने दिया नहीं। लेकिन अगर उन्होंने कभी कोई ऐसी बात कही जो मेरी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में थी, कई बार ऐसा होगा कि आप लोग का टेस्ट में स्कोर कम आया, तो पेरेंट्स को यह पूछने के बजाय कि तेरा स्कोर कम क्यों आ रहा है, यह पूछ लेना चाहिए कि इस स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। दोज आर द बेटर वर्ड्स, क्योंकि मैं सुनता हूं, मेरे पास में आज चाहे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में बच्चा JEE की नीट की तैयारी कर रहा हो, लाखों बच्चे हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं, हमारी बुक्स हर एक स्टेट तक, हर एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचती है। हम अजमेर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे पढ़ने वाला बच्चा हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में है। हमसे ऑफलाइन जो बच्चा पढ़ने आता है वो बिहार से भी आता है, गुजरात से भी आता है, मध्य प्रदेश से भी आता है, उत्तर प्रदेश से भी आता है, हरियाणा से भी आता है, पंजाब से, कर्नाटक से, केरल से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, किस स्टेट, शायद ही ऐसा स्टेट है जहां से बच्चा हमारे पास पढ़ने नहीं आता, यहां पर आपके साथ में बैठ के पढ़ रहा होगा। और हम जब बच्चे की बातें सुनते हैं, तो क्योंकि बच्चा बहुत सारी बातें पेरेंट्स को नहीं बोल पाता है, तो मैं पेरेंट्स को बोल देता हूं सीधा, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि 100% रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये चीज आपको समझ लेना है, बच्चा मेहनत करे, क्योंकि बहुत जरूरी है, बच्चे को मेहनत करनी है, ऑब्वियसली करनी है, बिकॉज इट्स नॉट एन एग्जाम, JEE नीट एग्जाम नहीं है, एक चांस है आपके पास में अपने आप को साबित करने का, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने। इसको एग्जाम मत मानना, और प्रूव करना जरूरी है, सफल होना जरूरी है, क्योंकि सफल नहीं होगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करने वाला इस दुनिया में, जब तक आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। शिवलिंग पर बैठे सांप का हर कोई सम्मान करता है, कोई सांप रोड पे मिल जाए तो हर कोई लाठी से मारता है। ये पावर होती है, ये डिफरेंस होता है पोजीशन में। आपको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, ताकत नहीं बढ़ाओगे, पोजीशन चेंज नहीं करोगे, पेरेंट्स भी इज्जत नहीं करेंगे, फ्रेंड्स भी इज्जत नहीं करेंगे, रिलेटिव्स भी इज्जत नहीं करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, और यही चांस है आपके पास में अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेटस को बढ़ाने का। तुम चाहोगे कि 60 साल की उम्र में तुम मेहनत करके कुछ बन जाओगे, तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। 9th-10th क्लास वो उम्र होती है जब इंसान खुद की हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में होता है, उसके बाद तो आपकी एनर्जी कमी होनी है। तो वी आर प्रिपेयरिंग टू चेंज द पोजिशन, चेंज द लोकेशन। आपने सुना होगा कि पानी की एक बोतल जो होती है, उसकी जैसे जैसे लोकेशन चेंज होती जाती है, वैसे वैसे उसका दाम बढ़ने लगता है। आप आज यहां पर हो, पहले आप स्कूल में थे, अब आप कोचिंग में आए, हो सकता है कल को आप किसी IIT में चले गए, एम्स में चले गए, आप वही हो, आपके पेरेंट्स वही, आपका घर वही है, लेकिन आपकी पोजिशन चेंज हो गई, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है। तो दैट इज द अल्टीमेट टारगेट, दैट वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड आवर सेल्फ, और यही मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सर ने आपको समझाया था,
आप मेरे से ऐसे गुस्से में बात क्यों कर रहे हो, मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा। दुनिया पढ़ा देगी दोस्त आपको, मत पढ़ो। भारत में 145 करोड़ लोग हैं और यहां सिर्फ कंपटीशन है। यहां मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आप लोग के पास। ये यहां सेट कर लेना और ये 2 साल तुम्हारी जिंदगी में फाइटिंग के साल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट साल हैं। अभी नहीं कर पाए, हो सकता है बाद में कर लो, लेकिन वो वाली बात नहीं रहेगी। क्योंकि मुझे पता है जब मैंने एग्जाम क्रैक किया तो मेरे कॉन्फिडेंस में, मेरे कॉन्सेंट्रेशन में, मेरे एंथुजियाज में कितना डिफरेंस आया। कि जब आप 25 लाख जैसे सर बता रहे थे, 25 लाख में, जेई में 15 लाख, तब 15 लाख 25 लाख लोगों का बीट करके आते हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का रहता है। पेरेंट्स भी आपके रेस्पेक्ट करते हैं कि हाँ इसने कुछ किया है। तो भाई ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ सब लोगों को पता होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ जो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप कि जो अचीवमेंट्स है इन 2 सालों में आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, वो थोड़े से कहीं ना कहीं आपके सेक्रीफाइसेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। सर भी बता रहे थे कि आपको हर एक चीज़ छोड़ देनी है, फेस्टिवल छोड़ देना है, शादी छोड़ देनी है, सिर्फ खुद की शादी में जाना है, जो भी हैवी है नहीं आप लोगों की, काफ़ी लेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ही शादी ऐसी है जो आपके बिना नहीं हो सकती। कौन सी? बुआ की, आपकी खुद की, बाकी तो हो सकती, तुम जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेक्रीफाइसेस और इनवर्स टू द डिवाइसेस, देखो आपके पास में टीचर्स सब लोगों के पास में वही रहते हैं, नोट्स कंटेंट सब लोगों के पास में वही रहेगा, लेकिन आपने कितने सेक्रीफाइस किए, कितनी चीजें आपने छोड़ दी। रामायण अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें एक बहुत सिंपल सी बात है और वही रामायण का सार है, बाकी सब तो चौपाई है, श्लोक है और ना जाने क्या क्या है, लेकिन रामायण का सार एक ही लाइन है कि राम वनवास गए थे श्री राम बनने के लिए। अगर राम वनवास नहीं जाते तो भगवान श्री राम नहीं बन पाते, ये रामायण का सार है। उसका सीधा मतलब है सेक्रीफाइस। रामायण में राम को देखा, प्रणाम कर लिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है, सेक्रीफाइस। हमारी उम्मीद होती है ना कि 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, उसके बाद में 21 लाख रुपए मांग लो, चादर चढ़ा दो, रजाई मांग लो, लड्डू चढ़ा दो, छप्पन भोग मांग लो। राम से आप एक ही चीज सीख सकते हो, सेक्रीफाइस, त्याग। और तुम अगर यहां पर आ गए, उसके बाद तुम्हें मोबाइल भी चाहिए, तुम्हें लैपटॉप भी चाहिए, तुम्हें टैबलेट भी चाहिए, तुम्हें सब कुछ चाहिए और फिर तुम पढ़ भी लोगे, तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तुम्हारा फेसबुक पे अकाउंट है, तुम्हारा यूट्यूब तुमको दिन रात चलाना है, तुम्हें सारे वेबसाइट चलानी है और फिर तुम ये सोच लो कि हम जेई और नीट भी फोड़ देंगे, तो भाई आज ही बेटर है अपना सब्जेक्ट चेंज करो, आर्ट्स कॉमर्स लो और रेस्ट करो। ये नहीं हो पाएगा, इधर कोई एक चीज चूज करनी पड़ेगी। डिवाइसेस जितने बढ़ते जाएंगे तुम्हारी लाइफ में, सेलेक्शन के चांसेस, आपकी बेटर परफॉर्मेंस के चांसेस कम होते जाएंगे। तो आप में से शायद अभी तो सब लोग ऐसे होंगे जिनके पास में मोबाइल फोन्स होंगे, मे बी कितने लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं। नहीं, इज्जत की बात है, हाथ थोड़ा ऊपर खड़ा करो, ऐसे क्या बात है यार। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अब अगर आप अपने ऊपर एहसान करना चाहें तो उस मोबाइल फोन को अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर एहसान नहीं होगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप लोगों को लगता है कि राम अगर वनवास चले गए तो उन्होंने केकई के ऊपर एहसान किया या भरत के ऊपर एहसान कर दिया, खुद के ऊपर एहसान किया। भगवान बनने की शर्त यही थी,
तो भाई अगर तुम्हें अपने नाम क्या के कुछ लगाना है, टैग लगाना है, जैसे राम से भगवान श्री राम हो गए, वो प्रीफिक्स लगाना। तुम भी एक प्रीफिक्स की तलाश में हो कि IITian दिस एंड डॉक्टर दिस, तो प्रीफिक्स जब लगता है ना तो उसमें इट टेक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ सेक्रीफाइस करने का जज्बा है। और अभी जब आज का दिन है, आज तुम बिगिनर हो, तुम शुरुआत कर रहे हो, आज तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हो सकता है तुम वनवास ही चले जाओ, लेकिन ये कंसिस्टेंसी अगर तुम लोग 365 गुणा दो या 300 गुणा दो 600 दिन तक मेंटेन रख पाओगे, तभी सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो, तभी रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो, और तभी कुछ प्रीफिक्स की उम्मीद कर सकते हो जिसके लिए तुम यहां आए हो। सफिक्स पैदाइशी रूप से मिलता है, आप सब लोग का एक सरनेम तो है ही, दम तो प्रीफिक्स लगाने में लगता है। सफिक्स तो आसान है, वो हर किसी के पास होता है। सफिक्स मतलब सरनेम, प्रत्यय, और प्रीफिक्स की शर्त ही सेक्रीफाइस है। अगर त्याग नहीं कर सकते तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो आज कुछ सेक्रीफाइस करोगे? यस और नो? कितनी तेज आवाज है तुम्हारी, मैं तो इंस्पायर्ड हूं इस आवाज से। यही वो आवाज है जो पाकिस्तान के दुश्मनों को हमारे देश में घुसने से रोक रही है। डर जाते हैं वो लोग तुम्हारी आवाज सुन के। कुछ सेक्रीफाइस करोगे आज? तुम लोग जवानी में तुम्हारे हालात ऐसे हैं, मतलब जिन लोगों की आवाज से धरती कांपनी चाहिए वो खुद कांप रहे हैं। उसे एसी कम करा दो, तेज चल रहा है। कुछ सेक्रीफाइस करोगे ये सर? नो। देखो क्या होता है, किस दुनिया में बिगिनर्स बहुत सारे हैं, शुरुआत करने वाले बहुत सारे हैं। जितने लोग फॉर्म भरते हैं, चाहे वो UPSC का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो JEE का हो, नीट का हो, फॉर्म भरने वाले बहुत सारे हैं, शुरुआत बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिनिश करने की औकात बहुत कम लोगों में होती है। कोई किस चक्र में फंस जाएगा, कोई किस चक्र में फंस जाएगा, कोई किस चक्र में फंस जाएगा। तब या पेरेंट्स बैठे हैं, वरना मैं आपसे और रियल टॉक करता, हालांकि वो मैं करूंगा कुछ टाइम बाद में, पेरेंट्स की प्रेजेंस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर आगे चलते हैं, पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं डिवाइसेस की बात कर रहा था, सर ने भी एक बात करी इसमें, ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एग्जांपल है ये, लुक इट ओवर हियर। ये केरल में एक कुली है के श्रीनाथ, इन्होंने KPSC का एग्जाम करेक्ट किया, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, वाया यूजिंग फ्री वाईफाई एट रेलवे स्टेशन। हो सकता है आप में से कुछ लोग अवेयर हैं अगर इसके बारे में, तो उन्होंने सुना होगा। और इस इंसान ने मोबाइल के इस्तेमाल से एग्जाम को क्रैक किया है। अब कैसे क्रैक किया वो बता देता हूं। इस मुद्दे के ऊपर मैंने एक मेरी टेड टॉक ली थी, टेड एक प्लेटफॉर्म है, अमेरिका बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उस पर मेरी टेड टॉक हुई थी और इसी मुद्दे पर मैंने डिस्कशन किया था। इस इंसान ने क्या किया कि कुछ लेक्चर्स डाउनलोड कर लिए, रेफरेंस लेक्चर्स, और जब भी ये लोगों का सामान उठाते हुए लेके जा रहे हैं, वजन कैरी कर रहे हैं, तुम लोगों का तो वजन तुम्हारे पेरेंट्स उठा रहे हैं, माँ को दीकरो, माँ को छोरो, माँ की छोरी, एंड सो ऑन, तुमको तो फूल की तरह रखा हुआ है। इनके दो बेटियां थी और ये प्लेटफॉर्म पे कुली का काम कर रहे थे। ये जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, ये चाहते थे कि मैं अपने बच्चों के लिए एक आइडियल स्टेटस सिंबल बनूं कि मैंने कुछ किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे स्टेटस डालने से स्टेटस नहीं बढ़ता है, कुछ करके दिखाने से स्टेटस बढ़ता है, इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। इस इंसान ने कुछ लेक्चर्स डाउनलोड किए और उसके बाद लेक्चर्स को ईयरफोन लगा के सुनना शुरू किया। रेस्ट भी कर रहे हैं तो भी सुन रहे हैं, सामान कैरी कर रहे हैं तो भी सुन रहे हैं, पैसेंजर्स का वेट कर रहे हैं तो भी सुन रहे हैं, बट देखा नहीं है ऐसे, क्योंकि क्या होता है कि आपने वीडियो देखना शुरू किया, अब नीचे वीडियो आना शुरू हो जाते हैं कि देखो नया वीडियो देखो, नया वीडियो ही देखो, और फिर आप शुरू कहां से होते हो,
और पहुंच कहां जाते हो आपको पता है। सोशल मीडिया में एंट्री आपकी एक स्पेसिफिक गोल को लेकर होती है, लेकिन एग्जिट का पता ही नहीं है कि कहां पर जाके एग्जिट होंगे आप। तो मेरा सिर्फ कहना यही है, इवन दो यू आर यूजिंग मोबाइल फोन, यू कैन यूज दैट, बट गिव योर ईयर्स, नॉट योर आईज। अगर आंखें आपकी मोबाइल फोन के ऊपर है, देन इट्स वेरी लो चांसेस कि आप लोग परफॉर्म कर पाओगे। और कोई भी, अगर किसी की उम्र 40 साल है, 50 साल है, पेरेंट्स भी हैं, तो वो रियली में वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं कंटेंट, तो उनको आंखों के बजाय कान देने चाहिए मोबाइल फोन को। हम कोई भी एक चीज प्रॉपर नहीं सीख रहे हैं। आज पिछले 2 साल से आप लोग स्क्रॉल कर रहे होंगे, 10 साल से स्क्रॉल कर रहे होंगे, क्या सीखा आपने? कोई 2 चीजें बता सकते हैं? तो मैं हमेशा कहता हूं कि मोबाइल फोन के ऊपर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है। तो डिवाइसेस का सैक्रिफाइस सबसे बड़ा हो सकता है। आपको संन्यास नहीं लेना है, वनवास नहीं जाना है, कमंडल नहीं लेना है, अपने कपड़े उतार के नहीं फेंकने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपकी डिवाइसेस हैं उनको साइड में कर देना है। नागा साधु बनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और ये आपका खुद के ऊपर एहसान होगा। लोगों से मिलते रहोगे, खत्म हो जाओगे। इस चीज को अपने दिमाग में सेट करिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, देन आई विल फिनिश माई थिंग्स, क्योंकि इतना कुछ बोल दिया गया है मेरे हिसाब से। तो एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपकी सक्सेस है, वो मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज दे रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूलाज आप लोग इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। आपकी सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। म्यूचुअल फंड सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि खुद में कैसे इन्वेस्ट करना है। आज आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बताए जा रहे हैं, और ना जाने क्या क्या सिखाया जा रहा है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टीच यू दैट हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो आपकी सक्सेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, एंड इनवर्स में है इन्वेस्टमेंट इन अदर्स। अब मैं दोनों चीजें बता रहा हूं कि आप कैसे दूसरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैसे खुद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मूवी नहीं चल रही है, नोट डाउन करना है। पेन पेपर कुछ लाया हो? क्यों मन नहीं किया? ठीक है, आज कुछ नहीं बोल सकता ना, पहला दिन है, बुरा मान जाओगे तुम। आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया था कि पेन पेपर लेके आना है? सीरियसली, तो मूवी के टिकट्स लिए थे आपने? इन्फॉर्मेशन के लिए बोला था इन बच्चों को भाई पेन पेपर लेके आना है? मैसेज किया था आप लोग? अच्छा, यू हैव सैक्रिफाइस डिवाइसेस। चलो यहां देखो भाई, देखो खुद में इन्वेस्टमेंट। आपने हनुमान जी के बारे में सुना होगा कि वो अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हैं। मैं आपको 10 बता रहा हूं आज, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, पूरी 10। और अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं इंश्योर करता हूं दैट यू विल बी एट योर पीक परफॉर्मेंस। मैंने इन चीजों का इस्तेमाल किया है और वही मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या है। दैट इज R S R M S E D D H R। कितने हो गए टोटल जोड़ना? एक बार शुरू करना मेरे साथ, काउंटिंग करेंगे सब लोग। हिंदी नहीं आती? ठीक है, चलो 1, ठीक है 1, जोर से बोलो 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गई पूरी? यार बोलो तो सही यार, तुम लोग, तुम्हें देख के मुझे डिप्रेशन आ रहा है यार। मानते हो पहले दिन आया, उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सूस होके बैठे रहोगे यहां पर। देखो इसका सीधा मतलब क्या है, दैट इज रीड। जो भी आप लोगों को यहां पर पढ़ाया जाएगा, आप लेक्चर अटेंड करेंगे और ऑब्वियस सी बात है आप पढ़ेंगे,
पढ़ना इज नॉट एनफ। उसके बाद में क्या करना है कि उस कंटेंट को समराइज करना है। ओजा सर ने भी बताया आप लोगों को कि कंटेंट को समराइज करना है। समराइज करने के बाद में उस कंटेंट को रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एम फॉर मेमोराइज करना है, मनन। जैसे खाना खाना काफी नहीं है, डाइजेस्ट और अब्सॉर्व करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है, दैट आप बिना किताब खोले भी कंटेंट को अपने दिमाग में सोच पा रहे हैं। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जब किताब से दूर होते हैं तो उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। आप अपने कमरे में जाके बैठ गए पढ़ने के लिए, और जब आप पढ़ने गए तो कमरे को बंद करने के बाद में आप वहां कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। पेरेंट्स के सामने आप दिखा रहे हैं, फ्रेंड्स के सामने आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत बड़े पढ़ाकू हैं, बट इन रियल यू आर जस्ट शोइंग ऑफ। और शो ऑफ वाले बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं आजकल। मम्मा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे पढ़ना है। नो नो नो, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, प्लीज गो आउट। नो नो, आई विल स्टडी। एंड जस्ट शोइंग ऑफ एवरी टाइम अननेसेसरली, दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आपके आसपास का माहौल क्या है। नहा भी रहे हो तो भी दिमाग में कंटेंट चल रहा है, खा भी रहे हो तब भी कंटेंट चल रहा है। ये प्रैक्टिस करनी है। अब आपको कई मूर्ख लोग ये कहेंगे कि इतना पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। पागल वही लोग होते हैं जिनके दिमाग में नेगेटिव थॉट चलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा, ये मेरे साथ बुरा कर देगा, वो मेरे साथ बुरा कर देगा, इसलिए दोनों को मारने के लिए पत्थर फेंकने लगता है। मेमराइज। बात यहां तक सीमित नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज SED। आज दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, एक वो जो SAD है यानी कि सैड है, दूसरे वो जो SED में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्लीप एक्सरसाइज एंड डाइट। इस गलतफहमी में मत जीना, क्योंकि मुझे पता है आपको पेरेंट्स मोटिवेट करेंगे कि बेटा हमारे समय में हम मोमबत्ती में पढ़ते थे, बेटा दिया जला जला के हमने कितनी रातें काली करी है बेटा, और 2 घंटे सोते थे। उनकी बातें मत सुनना, 7 घंटे कम से कम सोना, क्योंकि पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, मैं तो खुलेआम कहता हूं 7 घंटे पूरे सोना, और भी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। अगर तुम पेरेंट्स की बात मान लोगे कि बेटा हम दिए में पढ़ते थे, तो काजल लगा के उठोगे। इस बात को समझ लेना है हमें, अननेसेसरी ओवर हाइप मोटिवेशन नहीं लेना है। माना उस वक्त लाइटें नहीं थी, कनेक्शन नहीं थे, आज सब लोग पापा लाइट्स में पढ़ रहे तो मैं क्यों ना पढ़ू, खत्म बात, इट्स सिंपल। अगर आपके पेरेंट्स दिए में मोमबत्ती में पढ़ रहे थे, उसका कतई मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ आसान है। आजकल सब बच्चे लाइट में पढ़ रहे हैं, और 25 लाख लाइट में ही पढ़ रहे हैं, और 15 लाख लाइट में ही पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन इज सेम देयर। सुना है एक्सरसाइज करनी है। मैं देखता हूं कई बच्चे जब यहां पर एडमिशन लेते हैं तो वो बिल्कुल स्लिम आते हैं, और जब जाते हैं तो शकरकंद हो जाते हैं, अदरक हो जाते हैं। भाई परीक्षा जिंदगी का एक हिस्सा है, पेपर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, पेपर इज नॉट लाइफ। अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान रखना। एक बहुत ही अजीब बात आपको बताता हूं, हो सकता है आपको बुरी लगे, और लगेगी मुझे पता है, इसलिए बता रहा हूं। किसी भी इंसान को हम कब जला देते हैं, कब दफना देते हैं, मर जाता है। इसका एक और एस्पेक्ट है जो वो दुनिया के किसी काम का नहीं रहता। आप आज देखिए, अगर मान लो किसी के घर में, मेरा एक दोस्त था जब मैं 12वीं क्लास में था, वो भी 12वीं क्लास में था, बोर्ड एग्जाम के वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रक
उसके ऊपर से गुजर गया, उसको पैरालिसिस हो गया। पिछले साल से पिछले साल उसकी डेथ हुई, तकरीबन 10-11 साल बाद। और मैं सच बता रहा हूं, लगभग हर कोई ये दुआ कर रहा था इससे पहले कि इनकी डेथ हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इनकी जिंदगी सुधर जाएगी। तुम अगर बीमार हो गए, तुम्हारे में अगर एनर्जी नहीं रही, तुम्हारे में अगर शक्ति नहीं रही, तुम्हारे में अगर लड़ने का जज्बा नहीं रहा, दुनिया सिर्फ तुम्हारे मरने की कामना करेगी। और तब दुनिया तुम्हें सपोर्ट करने आएगी, क्योंकि दुनिया वाले से मरे हुए को कंधा देते हैं, बाकी सब टांग खींचने के लिए। हम लोग तो PhD हैं यार, पुल हिम डाउन पुल हर डाउन, PhD तो सबने कर रखा है। भारत में पैदा होती है, PhD तो हो जाती है, बाकी सब कोर्सेस तो बाद में। तो हमें इस चीज को समझ लेना है दैट एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर वो तुम्हारे में नहीं रहेगी, तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारी कोई वैल्यू करने वाला नहीं है। आज तुम सोचो, हमारे देश के PM 73 साल के हैं तकरीबन, अगर वो इंसान किसी चुनावी सभा में संबोधित करते हुए खांस दे भाइयों बहनों, दुनिया वोट ना करे उसे। किसी इंसान को वोट नहीं मिलता है, एनर्जी को वोट मिलता है। किसी इंसान को सपोर्ट नहीं मिलता है, ताकत को सपोर्ट मिलता है। पद को सपोर्ट नहीं मिलता है, जो उसमें शक्ति है उसको सपोर्ट मिलता है। तुम्हें पता है ना कि गरीब आदमी पहाड़ से भी गिर गया, एक्सीडेंट भी हो गया, कुचरा भी गया, कोई उसका हालचाल नहीं पूछेगा। अमीर आदमी ताकतवर आदमी कांटा भी चुभ गया, अरे सर क्या हुआ बताइए ना प्लीज। शक्ति को पूछ रहे हैं लोग। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुम यहां पर हो तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी उतना ही काम करना है जितना मेंटल स्ट्रेंथ पे करना है। वरना आजकल के बच्चे में देख रहा हूं, दे हैव एंजाइटी, दे हैव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स OCDs, दे हैव सप्रेशन डिप्रेशन कंप्रेशन। भाई इनसे अपने को मुक्ति लेनी है। इतना भयंकर मत पढ़ना कि पेरेंट्स को पत्थर मारने। ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसलिए एक्सरसाइज और क्या करना है उसे वो भी बता देता हूं। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार में ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको BP या शुगर है? BP शुगर का नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? चीनी वही ना जो दूध में मिलाते हैं, एक चीनी खून में भी होती है। अच्छा सब लोग जानते हो। अच्छा आपके घर में है BP शुगर के पेशेंट्स? सब लोगों के घर में है? जोर से बोलो। ये हालात है हमारे देश के। अच्छा कितने लोग चाहते हैं उनको भी BP हो जाए और वो भी अंदर से मीठे मीठे हो जाए, शुगर हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। क्यों? What's wrong with that? अच्छा होगा ना, लोग आपको कहेंगे हाउ स्वीट यू आर, क्या दिक्कत है यार। हमारा देश आज BP की भी राजधानी है, शुगर की भी राजधानी है, हार्ट अटैक की भी राजधानी है, कोलेस्ट्रॉल की भी राजधानी है। हमारे देश में जितना घी बाहर नहीं बन रहा उससे ज्यादा आर्टरीज में बन रहा है। बीस मिनट रोज सीढ़ियां चढ़ो जूते पहन के। मैं एक्सरसाइज करता हूं रोज करता हूं, मैं ज्यादा करता हूं, 2 घंटे भी कर लेता हूं बहुत बार। मैं जब भी फ्री होता हूं सीढ़ियां चढ़ता हूं, जब भी मुझे फोन करना है, किससे बात करनी है फोन पे, मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए बात करता हूं। जब भी किसी इंसान की तबीयत खराब हो जाती है, जैसे मान लो किसी को हार्ट डिजीज हो गई, हार्ट कमजोर हो गया किसी का, डॉक्टर सबसे पहले, बीइंग ए डॉक्टर आई एम सेइंग, सबसे पहले उसे मना करता है कि सीढ़ियां मत चढ़ना, क्योंकि दुनिया की सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज है, इससे पावरफुल एक्सरसाइज है ही नहीं। और जो भी इंसान सीढ़ियां चढ़ रहा है, 20 मिनट तुम चढ़ के देखना, आज जाके देख लेना, तुम्हारे थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, एंग्जाइटी डिप्रेशन नेगेटिव थॉट्स सारे बह जाएंगे। ये लोग होते हैं, नहीं नहीं हम तो अब तो ये जिम जा रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, अब तो फिटनेस का ध्यान रखते हैं। हाँ भाभी जी पूरा ध्यान रखते हैं आजकल तो। दिस इज नॉनसेंस। आपको एक डॉक्टर ने बताया और उसके बाद आपको आपकी परवाह हुई? मतलब इतने बड़े बेवकूफ हो कि आपको आपकी परवाह नहीं है, दुनिया को बताना पड़ रहा है कि अपनी परवाह कर, अपनी खैरियत का ध्यान रख।
इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है कि 50 साल की उम्र तक आपको यह होश नहीं कि मुझे अपना भी ध्यान रखना है, बंगले की चिंता है। अरे रहना तो शरीर में है, एक हाथ काट के पेरिस भेज दे घूमने, जाके आ जाओ, क्या हो जाएगा, कौन से मजे आ जाएंगे। 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, तुम्हारे दिमाग के, तुम्हारे शरीर के जो अजीब अजीब थॉट्स हैं, क्योंकि तुम 10 से 11 क्लास में आ रहे हो, तुम्हारे हॉर्मोन्स अभी हाईएस्ट लेवल पर है और तुम्हारे में वो बदलाव आए हैं जिसके लिए तुम्हें पेरेंट्स भी कहते होंगे कि अब तो शीशा ज्यादा देखने लगा है, हेयर स्टाइल पे ध्यान देने लगा है, सजने सवरने लगा है। सीढ़ियां चढ़ो, 20 मिनट कम से कम और 30 मिनट एटलीस्ट, पसीना बहाओ। पसीना एक तरीका है रोज ईश्वर को देखने का, क्योंकि ईश्वर पसीना ही है। बहा के देख लो, पता लग जाएगा। जो शांति महसूस होगी वो तुम्हें पूजा करने के बाद महसूस नहीं होगी, ईश्वर को याद करने के बाद महसूस नहीं होगी, कुछ भी करने के बाद महसूस नहीं होगी, जो पसीना बहाने के बाद शांति महसूस होगी। मेरी नजर में पसीना ही भगवान है। भगवान के तो कई रूप हो सकते हैं, ये भी एक मेरी नजर में है, मैं मानता हूं, दैट्स इट। अपनी डाइट का ध्यान रखो, फास्ट फूड इज द बेस्ट वे टू बिकम स्लो मेंटली एंड फिजिकली। वैसे तुम फास्ट फूड तो नहीं खाते होंगे ना, सीरियसली कितने झूठे हो ना तुम लोग, पहले दिन झूठ बोल रहे हो, बदतमीज लोगों। कितने लोग, अच्छा मुझे है ना, मतलब पिज्जा के बारे में MBBS करने के बाद पता लगा, आप में से कितने लोग पिज्जा के बारे में जानते हैं पहले से। अच्छा कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में बर्गर कभी नहीं खाया, सिर्फ पिज्जा खाई है, ये खड़े हो रहे हैं ऐसे, हमने नहीं खाया। दो तीन लोग हैं ऐसे ना, चलो ठीक है भाई। देखो ऐसा है, अब एक बात सुन लो, शुगर खाने से शुगर नहीं होता है, जिसके शरीर में पचाने की औकात ना हो शुगर को, उसको शुगर होता है। घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, जिसमें घी को पचाने की क्षमता नहीं है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नमक खाने से बीपी नहीं बढ़ता है, जो नमक को पसीने में निकाल देगा उसका बीपी क्या कर लेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। डाइजेस्टिंग पावर, तुम्हें जो खाना है खाओ, पसीना बहाओ। आजकल हम लोग कहते हैं ना कि इतने पेस्टिसाइड्स हो गए हैं जी, क्या ही खाएं आजकल, तो सब्जी को देख लो, फ्रूट्स को देख लो, हर तरफ इतने सारे, हो माय गॉड, हम तो चटनी खाते हैं, है ना, बहुत सारी बातें ऐसी होती है। तुम चाहे जो खा रहे हो, एक बहुत सिंपल बात बताऊं, भारत में चाय की बात बहुत होती है, चाय का एक एग्जांपल लेके बताता हूं, क्योंकि हमारे देश के PM भी कहते हैं कि वो चाय वाले हैं। मुझे इस बात में खैर होगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस मुद्दे पर, क्योंकि समय खराब करना हो तो राजनीति और धर्म की बात कर लेनी चाहिए, मेरे पास इतना समय नहीं है, ध्यान से सुनिए। हमारे पास है मान लो एक बर्तन है जिसमें आप चाय बनाते हो, जब चाय बनाते हो हाथों हाथ धो देते हो, हाथों हाथ धो देते हो उसे। एक दूसरा बर्तन है जिसमें आप चाय बनाते हो और 7-8 दिन बाद धोते हो उसे, रोज चाय बन रही है, फिर सुबह उठे, फिर उसमें चाय पत्ती डाली, दूध डाला, फिर गर्म कर दिया, ऐसे कई दुकानदार ऐसे ही करते हैं। किस बर्तन के खराब होने की संभावनाएं ज्यादा है, कौन सा बर्तन साफ रहेगा, हाथों हाथ धुल रहा है वही। तो अगर तुम्हारे खाने में पेस्टिसाइड्स हैं, तुम्हारे खाने में जहर है, तुम्हारे खाने में मगरमच्छ है, अगर तुम रोज उसे डिटॉक्स कर सकते हो पसीना बहा के, एक्सरसाइज करके, तो कोई भी पेस्टिसाइड तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब नाटक उनके हैं जिनको सोफा पे लेटे लेटे खाना चाहिए और जिनको शिकायतें करनी है बस। मजदूर लोग भी तो खा रहे हैं रोज, रोज पसीना बहा रहे हैं, उनको क्या हो रहा है, उनको कौन सा BP हो गया, कौन सा शुगर हो गया, 5 किलो खिला दो चीनी, कुछ नहीं होगा। हमारे गांव में 40 गुलाब जामुन के बाद में काउंटिंग शुरू होती है, और यहां तो नो नो माय गॉड, आधा पीस दीजिए प्लीज, आधा पीस, बस बस इट्स ओके नाउ, अब मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये हालात है। तो भाई मैं नहीं चाहता, यहां पर जितने लोग आते हैं पढ़ो एक बात है, लेकिन पढ़ के तुम बीमार हो गए, तुम दवाइयां ले रहे हो, ऐसे डॉक्टर बने बैठे हो जो खुद गोलियां खा रहे हो,
मत बनो यार, इतना एहसान मत करो धरती माता पे। तो सब लोगों को कुछ भी करो ना करो रोज पसीना बहाना है, रोज पसीना बहाओगे नहीं बहाओगे? बहुत तेज बोलते हो यार, इतना काफी है आपकी सारी आदतों को कंट्रोल में करने के लिए। जो पसीना बहाएगा उसको कोई बुरी लत नहीं लगेगी, कोई सी भी बुरी लत जिसके बारे में पेरेंट्स को चिंता होती रहती है कि ये किसी के साथ में जाके कुछ ना सीख ले, गलत ना सीख ले, माथे में आ ही नहीं सकता ऐसा ख्याल। शौक और सपने दो चीजें हैं, एक शौक है एक सपने। शौक आप झुंड में पालते हो, आपको आपके दोस्त सिखाते हैं कि ये कर ले इसमें मजा आता है, वो कर ले उसमें मजा आता है, लेकिन नहीं, कई लोगों के चेहरे में मंद मंद मुस्कुराहट है, बोलना नहीं चाहते कुछ। आज तो हमारे एक्ट्रेस भी सिखाते हैं बॉलीवुड में कि शौक बड़ी चीज है, पान विलास। लेकिन आप यहां पर सपनों की लड़ाई के लिए आए हो, और सपनों की लड़ाई की पहली शर्त है सारा इन्वेस्टमेंट खुद में होगा। यहां पर जब दूसरों में इन्वेस्टमेंट होता है तो यहां शौक की बात आती है। तुम आज अगर मेरे से कुछ सीख सकते हो आज के सेशन में, तो एक बात सीखना कि रोज पसीना बहाना है, बाकी सब चीजें अपने आप होती जाएगी। देखो जब तुम्हारे पैर चलेंगे, एक्चुअली में क्या हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन में, मानव उद्विकास में, बंदर थे पहले हम लोग, ऐसा पढ़ा है, चार पैर हुए करते थे। जब हम बाइपिडल हुए, मतलब हमारा जो बॉडी मास है वो दो पैरों पे आया और हम चलने लगे, तो पैरों से स्क्वीज होके मसल्स ने ज्यादा खून ऊपर की तरफ भेजा और हमारा ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट हो गया। पहले हमारे जब चार थे तो उस वक्त इतना ब्लड ब्रेन तक नहीं जाता था, तो जब आप चलोगे आपकी मेमोरी बेटर होगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बेटर होगा, आपका फोकस बेटर होगा, आपका मेमोरी स्टोरेज बेटर होगा, आपकी थिंकिंग क्लियर होगी, नेगेटिव थिंकिंग आप में नहीं होगी, एंग्जाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बट चलना पड़ेगा, सोफा पे लेटे लेटे नहीं होगा ये कि देखो छोटे भीम ने क्या कर दिया। यू हैव टू, मतलब पसीना बहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा ऐसा नहीं करना है कि बोलो जो है सर ने बोला कि पसीना बहाओ, अब हम छत में जो है छत पे जाके बैठे हैं धूप में ऊपर, तो सर ने बोला पसीना बहाना, हम धूप में आके बैठे पसीना बह रहा है। डाइट, देन वी हैव डीप ब्रीदिंग। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन, जो आप लोग जस्ट बोर्ड एग्जाम्स देके आए, कितने लोग ऐसे जिनको घबराहट महसूस हुई ड्यूरिंग द एग्जाम, थोड़ा सा बेकार सा लगा, एंग्जाइटी सी हुई, हाउ मेनी ऑफ यू? ये तो वो हैं जो बता रहे हैं, बाकी सब छुपा रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो जाते थप्पड़ मार दी दो चार के। अब वो एंग्जाइटी और बढ़ेगी क्योंकि अब दो साल की मेहनत को एक बार में आपको एग्जीक्यूट करना है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, दो साल की मेहनत एक साल लगती है। एक चीज सब लोगों के लिए बता रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ, और जितने, क्योंकि मैं जब हमारे सेशंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा लोग जो मुझे सुनते हैं उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की है। बच्चे तो मेरी बात समझ ही नहीं पाते, बट जो सबसे ज्यादा लोग मुझे सुनते हैं उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की है। लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होती है LNB, सब लोग सुन लेना नन्हे मुन्ने बच्चों। लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में क्या होता है कि आपको राइट नॉस्ट्रल बंद करना होता है, कुछ नहीं करना है, कोई झाड़ फूंक नहीं करनी, तेज तेज सांस लेना और ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट वाले को बंद करके छोड़ देना है और लेफ्ट वाले से सांस लेनी है। जब भी आप फ्री हो, जब भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, LNB बोलते हैं इसको, और आप देखेंगे इससे आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में, आप काम डाउन महसूस करेंगे, एंग्जाइटी अननेसेसरी थॉट्स आपके कम हो जाएंगे, BP आपका ड्रॉप हो जाता है और आप ज्यादा क्लियर सोच पाते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और शांति पहली चीज है, युद्ध में सबसे तेज तलवार वही चलाता है जो दिमागी रूप से शांत है। अगर आपको दिमाग बहुत तेज चलाना है तो शांत होना पड़ेगा। आपने देखा लट्टू को घूमता हुआ देखा, जब लट्टू बहुत तेज घूम रहा होता है, टायर बहुत तेज घूम रहा होता है, तो लगता है रुका हुआ है। जो शांत है वही सबसे तेज है, जो घबरा गया वो कुछ नहीं कर सकता। महेंद्र सिंह धोनी के 2 वर्ल्ड कप जीतने का रीजन शांति है और कोई नहीं, विराट कोहली उससे बहुत टैलेंटेड है,
रोहित शर्मा बहुत टैलेंटेड है, जीता धोनी है, दिमागी रूप से शांत है, दिमाग काम करता है, बाकी लोग घबरा जाते हैं, निपट जाते हैं, जो घबरा गया वो तो गया। तो इसलिए कहा गया ना, जो डर गया वो मर गया। डर ही तो रीजन है, बीपी किसी को हो रहा है तो डर से हो रहा है, शुगर किसी को हो रहा है डर से हो रहा है, थायराइड हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, सब सब डर से हो रहे हैं। ये राइट वाले को बंद करने, लेफ्ट से चलने दो, शांति से। चिंताएं हैं और आज तक का नियम है, कब किसी ने भी चिंता की है तो चिंता मिटी नहीं है, वर्तमान की शांति खत्म हुई है। लेफ्ट नोस्टल ब्रीदिंग। फिर उसके बाद में हाइड्रेशन, भाई पानी पीना है। हमारे ब्रेन का तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो वाटर से बना हुआ है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अगर कहता हूँ कि जिंदगी में अगर आपको अलार्म सेट करने हैं तो मेरे हिसाब से पानी पीने के अलार्म सेट करने चाहिए, क्योंकि 90% लोग पानी समय पर पीते ही नहीं है। और जो हेडेक होते हैं, माथा दुख रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा सर दर्द होता है, लैक ऑफ 99% दुनिया में हेडेक का रीजन यह है कि आप पानी नहीं पीते हो। ये WHO की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जो हेडेक्स आपको हो रहे हैं 99% रीजन बिहाइंड दैट इज लैक ऑफ हाइड्रेशन, पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं आप। और यही चीजें रिपीट करनी है, तो एक बार मुझे इसका मीनिंग बताएंगे प्लीज। आर फॉर वेरी नाइस, एस फॉर, आर फॉर, एम फॉर, एस फॉर, देन ई फॉर एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन एंड आर फॉर, यू हैव टू रिपीट देम कंटिन्यूसली। ये रोज करना है, ऐसे नहीं एक दिन तो बहादुर सिंह बन गए और दूसरे दिन सब खत्म। पता है जब भी आप कुछ कर्म करते हो, कर्म की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ भी नहीं है, जो आपकी हाथों की लकीरों में भी नहीं है, लेकिन आप कर्म लगातार कर रहे हो तो आप तकदीर से वो भी छीन लेते हो जो कभी आपके भाग्य में था ही नहीं, बशर्ते उसमें कंसिस्टेंसी हो। क्योंकि यहां पर जब आप लोग यहां पर आ गए हैं तो मैं उस इंसान की वैल्यू ज्यादा करूंगा जो कंसिस्टेंट है, बजाय कि उसके जो इंटेलिजेंट है या जिसमें टैलेंट है। क्योंकि इस बात को याद रखना कि भारत में और पूरी दुनिया में 90% टैलेंटेड लोग भीख मांग रहे हैं। अगर तुम इस भरोसे आए हो कि हमारे 10th में 10 CGPA है, हम तो स्कूल टॉपर है, तो इस गलतफहमी में मत जीना। मैं भी टॉपर हूं स्कूल का, और यहां जितने टीचर्स तुम्हें बैठे के टीच करेंगे वो सब टॉपर है। कोई भी ऐसा नहीं जो है लास्ट रैंक करता और तुम्हें टीच कर रहा है, यहां सब टॉपर ही आते हैं, पढ़ाने भी और पढ़ने भी। तो अगर तुम कंसिस्टेंट हो, चाहे इंटेलिजेंट ना भी हो, चाहे टैलेंट तुम में ना भी हो, लेकिन तुम रेगुलर हो इस चीज को लेकर, इस चीज को लेकर, इस चीज को लेकर, ये तो पेरेंट्स के लिए है, तो आप ये देखोगे कि आप में धीरे धीरे ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंट होने के बाद ही कंपाउंडिंग काम करती है, चक्रवृद्धि ब्याज काम करता है, जिसको हम दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। दैट स्टार्ट वर्किंग व्हेन यू बिकम कंसिस्टेंट। आपको तब उम्मीद नहीं होती कि ऐसा परिणाम भी हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी ही एक तरीका होगा, और उसके बिना आप ये उम्मीद करें कि हमसे कुछ हो जाएगा तो उस चीज को आज ही भूल जाना। एक और चीज जो सर ने एक रूटीन की बात की थी, अब मैं फटाफट चीजें खत्म कर रहा हूं क्योंकि आप सोच के आए होंगे कि 30 मिनट का सेमिनार होगा और हम भाग जाएंगे। 2 मिनट का ब्रेक दे देंगे आपको, क्योंकि हो सकता है आपके कहीं स्ट्रेस हो रहा हो, टॉयलेट जाना है सर, 2 घंटे हो गए तो पानी पी के बैठे हैं, आपके चक्कर में हाइड्रेशन इतना ज्यादा कर लिया कि क्या ही बताएं। जो आपका रूटीन है, अभी तक इतनी बात समझ में आ रही, मैं कुछ उम्मीद करूं आपसे शब्दों की, ऐसे सुने सुने लोग, कंसिस्टेंट बनना है कि इंटेलिजेंट? वाह, कितने दोनों क्यों नहीं बन सकते? जेई में ऐसे सवाल आएंगे जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, पता है आप लोग को, एक ही ऑप्शन चूज करना है हमेशा। हाँ, तो कंसिस्टेंट बनना है कि इंटेलिजेंट? मानते हो ना तुम लोग पैदल हो दिमाग से, चाहे स्कूल टॉपर हो तुम,
चलो यहां देखो, जो आपका रूटीन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू, क्या करना है, और इनवर्स में होता है क्या बनना है। देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुंगेरी लाल है, एक कहानी थी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सपने बहुत बड़े बड़े हैं कि IIT बॉम्बे से CS में जाके BTech करूंगा, एम्स दिल्ली में जाके न्यूरोसर्जन बनूंगा, हाथ से ऑपरेट कर दूंगा, डिवाइसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी जो काम रहा है वो साउथ की मूवीज ने पूरा कर दिया है कि इसका हार्ट लूंगा और दूसरे का हार्ट ट्यूब बाहर निकाल और ये अंदर, कार्डियो सर्जन है ना। क्या बनना है वो प्रोसेस लंबी है, चाहे वो IITs वाली हो चाहे वो मेडिकल वाली हो, इट्स लॉन्ग प्रोसेस। द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज जो आपको समझ लेना है और इंप्लीमेंट भी करना है इज दैट क्या बनना है इज वेरी सेकेंडरी एस्पेक्ट, इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, मात खा जाओगे, बहुत तगड़ी मात खा जाओगे। क्या करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सर ने भी बताया कि DWAR, सर ने इसके बारे में काफी आपको चीजें बताई, रोज लिखनी है सब लोगों को, खाओ कसम की रोज लिखोगे, देखो बोला ही नहीं जा रहा है इनसे, तुम्हें जनता में जाके बोलना है एक दिन, दो चीजें होती है, एक बात सबको समझा देता हूं, हमको अक्सर ये सिखाया गया है कि अच्छे कपड़े पहनो, किसी भी इंसान की इमेज दो टाइप की होती है, एक वोकल इमेज कि वो कैसे बात करता है कैसे बोलता है, दूसरी विजुअल इमेज कि वो कैसा दिखता है कैसी ड्रेस पहनता है, दो टाइप की इमेज होती है। जब कोई इंसान मर जाता है ना तो हम सिर्फ ये बात करते हैं कि उसने हमसे किस तरीके से बात की, कभी ऐसी बात नहीं करते कि वो जारा से कपड़े पहनता था, रेमंड्स का सूट पहनता था, उसकी ड्रेस में कभी भी हमने सलवट नहीं देखी, क्या प्रेस के वे कपड़े पहनता, ये बात नहीं करते। वोकल इमेज, और यही इमेज होगी जिसके दम पे आप कमाओगे, डॉक्टर बन जाओगे तभी पैरासिटामोल लिखोगे दोस्त, ऐसी बात करके लिखते हो उससे इमेज बनती है। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को से जानता हूं, बहुत सारे IITians को जानता हूं, बोलना तो पड़ेगा ना तुम्हें, या नहीं बोलोगे गूंगे रहेंगे, बोले क्या हो गया, बोले डॉक्टर साहब यहां दर्द हो रहा है, बोले ठीक है मेरे भी हो रहा, भाग जाए ऐसे। वी शुड हैव वर्ड्स, क्योंकि शब्दों से आपकी वैल्यू होने वाली है। तो हमें समझ लेना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा कि मैं कल क्या करूंगा। कई बार तो ऐसा पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। कबीर दास जी ने कहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक मरहम लगाए। चिंता वो चीज है ना, इंसान कह सकता है कि मुझे इससे ये हो गया इससे वो हो गया इससे वो हो गया, द फाउंडेशन द स्ट्रेस वरी, हरी वरी एंड करी तीन चीजें हैं दुनिया में, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है वैसे हरी वरी और करी तीन चीजें होती है, हरी वरी और करी, वरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शुरू शरीर, मोह करे तो धन घटे कहेगा दास। करी कई बातें हैं जो चिंता के बारे में कही गई है, चिंता तो अपने को नहीं करनी, चिंतन करना है, और चिंतन करने का तरीका क्या है, दैट इज द मेमोराइजेशन, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो सोचेगा, तभी तो आजकल हम लोग बात करते हैं कि नाम जप करो, क्यों कह रहे हैं ये लोग नाम जप करो, बहुत सारे संत लोग कह रहे हैं आजकल नाम जप करो, क्यों कह रहे हैं, बिकॉज आपका ब्रेन रुक नहीं सकता, जैसे फेफड़े लगातार सांस लेंगे, आपकी आपका स्टमक लगातार डाइजेस्ट करेगा, आपका हार्ट लगातार पंप करेगा, वैसे दिमाग लगातार सोचेगा, और सोचेगा नेगेटिव सोचेगा। अगर तुम कुछ कंटेंट दिमाग में सोच रहे हो, कुछ चैप्टर दिमाग में सोच रहे हो, कुछ फॉर्मूला सोच रहे हो, तो भगवान की भक्ति करने जैसा ही है, वो तुम्हारा एहसान है तुम्हारे दिमाग के ऊपर कि तुम दिमाग को कुछ ढंग का सोचने का दे रहे हो। तो हर रोज ये रूटीन लिखना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात कर लेता हूं जो थोड़ी सी ज्यादा काम की बात है, कि आपके पास में कौन सी बुक्स होनी चाहिए, कौन सा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। सांस भर रहा है, सांसों की आवाज आ रही है मुझे,
अभी तो पता नहीं पूरा बोर्ड भरेंगे एंड सो ऑन। देखो भाई, जब पढ़ाई लंबी है तो डिस्कशन भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मैटर करता है, और एक रूम का माहौल, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन मुझे कर लेना चाहिए। वैसे तो देखो सेमिनार इतना लंबा हो सकता है कि 10 दिन तक चल सकता है, बट मैं चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ। अगर आप और सुनना चाहते हैं ऐसा ही कॉन्टेंट, तो YouTube पर नीट काका जी चैनल है, वहाँ पर ऐसे कई सेशंस हैं। OTT भारत एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों ने मिलकर बनाया। OTT मीन्स ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, और वो इंडिया के यूथ के लिए ही है जो हमने बनाया है। वहाँ पर सिर्फ ऐसे ही सेशंस आपको मिलेंगे जहाँ पर डिस्कशंस की बात होती। खैर, यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है आप सब लोगों को, है कुछ आइडिया है इसके बारे में, कौन सी किताब पढ़नी है? और तुम यही नहीं पढ़ोगे देखना, क्योंकि बहुत बोरिंग है। बोलते सब है, करता कोई नहीं। डॉक्टर साहब भी तो कहते हैं कि देखो सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है। डॉक्टर साहब खुद रटे 11 बजे, रोज फ्रूट्स खाने। डॉक्टर साहब खुद मिराज खा रहे, सॉरी फॉर दैट। चलो यहां बात करते हैं हम लोग बुक्स में। देखो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो NCERT। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर आप कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हो, मैंने कहा मैं रियल एग्जाम्पल्स देता हूँ, जो मैं देखता हूँ मैं वही बात करता हूँ। हाइपोथेटिकल बात करूंगा तो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे। NCERT द मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स इन इंडिया। इफ यू वॉन्ट टू क्रैक UPSC, इफ यू वॉन्ट टू क्रैक JEE, यू वॉन्ट टू क्रैक NEET, यू वॉन्ट टू SSC, कुछ भी एग्जाम आपको क्रैक करना है तो NCERT। और NCERT थोड़ी बोरिंग है, और इसीलिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने कुछ NCERT की डेरिवेटिव बुक्स बना दी है, जिसमें से एक का नाम है NCERT निचोड़, एक का नाम है NCERT फील, एक का नाम है NCERT वर्ड टू वर्ड। ये सारी किताबें हम लोग हैं जिन्होंने इंडिया में पहली बार NCERT बेस्ड कंटेंट बनाया। और इतना ही नहीं, एक समय था जब हम लोग आज के 7-8 साल पहले कोटा से स्टडी मटेरियल लेने जाते थे कि कोटा के टीचर्स के नोट्स लेके आते हैं। आज कोटा के टीचर्स और कोटा के बच्चे हमसे कंटेंट मंगवाते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव बीन एक्सट्रीमली NCERT ड्रिवन। और तो ये सारा कंटेंट हम आपको साथ में सॉल्व करवाएंगे भाई, ताकि आप जैसे फील हो गया या वर्ड टू वर्ड हो गया, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हर एक केस में करनी है। और ये कॉन्टेंट NCERT बेस्ड है, जो हमारा एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट है। आजकल जब एक कोई इंस्टीट्यूट होता है, जैसे भारत के किसी भी शहर में कोई सा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, तो क्या होता है कि इसके नोट्स मैंने फोटोकॉपी करा लिए, उसकी टेस्ट सीरीज मैंने फोटोकॉपी करा ली, चलो बच्चे की फीस आगे काम हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो है खुद का बनाया हुआ है। तो NCERT इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, टाइम टेबल, कितने घंटे पढ़ना, कितने घंटे पढ़ना होता है। इसको याद है, देखो एक एरिया 1, 2, 3 हमको ध्यान रखना, दैट्स नाइस। जैसे बालिका PCB के लिए बात कर रही है, ये कह रही है कि 1, 2, 3 मतलब अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटे केमिस्ट्री होगी, 3 घंटे फिजिक्स होगी। अगर आप PCM के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स की जगह मैथ्स को 3 घंटे पढ़ना है, बिकॉज मैथ्स इज इक्वली टफ सब्जेक्ट। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और चीज उससे भी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो यहां पेरेंट्स बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उन्होंने सुनी होगी, जो उबरा सो डूब गया, जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। कभी सुना इस लाइन के बारे में? जो उबरा वो डूब गया और जो डूबा सो पार, मतलब जिसने अपनी जिंदगी में डूबकर, आपको होश नहीं है कि आपके बाहर क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, भुआजी के घर में क्या हो रहा है, ताईजी के घर में क्या हो रहा है, आप बिल्कुल सुपर फोकस्ड हो। अभी मैं जब आपसे बात करूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है कि हमारे यहां बाहर क्या हो रहा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं सिर्फ आप पे फोकस्ड हूं। और एक भी मौका ऐसा नहीं होगा जब मैं अपने शब्दों को बोलने में गलती कर दूं, एक भी मौका ऐसा नहीं होगा, आप मुझे 5 घंटे तक बुलवा लीजिए, एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि जब मैं गलती कर दूंगा, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लर्न। कि आपको यह समझना है कि जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। आप चाहे 3 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन उस 3 घंटे के पढ़ने में जो शिद्दत होनी चाहिए,
जो फोकस होना चाहिए वो आपको 6 घंटे का, 9 घंटे का, 12 घंटे का आउटपुट दे सकता है, बशर्ते आप में शिद्दत हो। कई लोगों ने तो यही सेट कर रखा है कि सर ने बोल रखा है कि 6 घंटे पढ़ना है तो किताब खोल के बैठे मैं 6 घंटे सामने, ख्याल कुछ और ही चल रहे हैं। होता है ना ऐसा, भारत में जो सबसे फेवरेट फूड है भारत का, गप्पे और गोलगप्पे, दो ही चीज तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, गप्पे खा लिए, गोलगप्पे खा लिए, शाम को हो गया दिन खत्म। इंटेंसिटी, हाउ मेनी आवर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ फोकस्ड आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी डजंट मैटर, हाउ फोकस्ड आवर्स, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी आवर्स, दिस क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग। मैं मतलब इस क्वेश्चन का ही समर्थन नहीं करता हूं, बेकार सवाल है। हाउ मेनी आवर्स क्या होता है, हाउ मेनी आवर्स से क्या होता है, इट डजंट मैटर। हाउ इंटेंस आवर्स, हाउ फोकस्ड आवर्स, हाउ कॉन्सेंट्रेटेड आवर्स, कितना आपने फोकस किया। एक तरफ मोबाइल पड़ा है उसमें नोटिफिकेशन आ रहे हैं, एक तरफ व्हाट्सएप खुला है, एक तरफ इंस्टाग्राम खुला है, फेसबुक की रील चल रही है, वहां यूट्यूब चल रहा है, इधर पढ़ाई का नाटक चल रहा है, और पेरेंट्स भी कह रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है, दिमाग भी बहुत है, और बच्चा फेल हो जा रहा है, जिस टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहा है उसी में खत्म हो जा रहा है। मेहनत करनी है पूरे फोकस के साथ में। अच्छा, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसके बारे में पेरेंट्स बोलते हो कि हमारा बच्चे में टैलेंट तो बहुत है बट पढ़ता नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है ना, गलतफहमी का शिकार? ऐसे भी बच्चे होते हैं कि टैलेंट बहुत है, अचार डाल लो उस टैलेंट का, 10 साल बाद काम आएगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, एन इडियट विद ए प्लान, एक मूर्ख जिसके पास में प्लान है, कैन डिफीट ए जीनियस विदाउट द प्लान। जिसमें प्लानिंग है, जिसमें स्ट्रेटेजी है, जिसमें इंटेंसिटी है, जिसमें कंसिस्टेंसी है, जो रोज अपने ऊपर मेहनत कर रहा है, वो किसी जीनियस से 1000 times बेटर है। तुम लेके घूमते रहो अपने टैलेंट को, कोई उसकी कदर नहीं है। आप भारत में किसी थड़ी पे चले जाओ, वहां आपको सुपर टैलेंटेड लोग मिलेंगे जो ये तक बता दें कि 2094 में जब चुनाव होंगे तो कौन जीतेगा, वो कहेंगे हम ही जीतेंगे, हम ही पीएम होंगे तब देश के। ऐसी बातें करने वाले लोग भी हैं जो बाद में आपको मनोचिकित्सा विभाग में मिलेंगे, सेक्रेटरी में। आप में टैलेंट चाहे जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में 90% सक्सेसफुल लोग साधारण दिमाग वाले हैं, लेकिन जिनमें कुछ करने की जज्बा था, कुछ करने का मन था, कुछ करने की इच्छा थी, कॉन्सेंट्रेशन। एक बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूं, मान लो कुत्ता है आपके सामने, आपके पास में ही है, मान लेते सामने तो क्या होगा, कुत्ता आपके सामने आ गया और आपके पास में कुछ मीट के टुकड़े हैं, मान लो आप उस कुत्ते के बाईं तरफ फेंकते हैं, कुत्ता भागता हुआ जाएगा उठाएगा खा लेगा, दाईं तरफ फेंकते हो फिर कुत्ता भागता हुआ जाएगा उठाएगा खा लेगा, ऐसा प्रोसेस आप करते रहो, पूरे दिन कुत्ता ये करता रहेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा इधर भागेगा, जब तक आप टुकड़े फेंकते रहोगे भागता रहेगा। अब सामने मान लो शेर को बिठा दो, शेर है, आपने एक मीट का टुकड़ा फेंका यूं, तो शेर आपको देखेगा, तू भी तो मीट का टुकड़ा ही है, इतने छोटे से टुकड़े का मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसका फोकस हमेशा बड़ा है, उसका गोल हमेशा बड़ा है। आप जब तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी में बहुत सारे मीट के टुकड़े आएंगे, छोटी छोटी चीजें आएंगी, जो सर अभी बात कर रहे थे, फेस्टिवल्स होंगे, मूवीज होंगी, सेलिब्रेशंस होंगे, कई चीजें होंगी। आप में अगर सेक्रीफाइस करने की औकात है, फोकस करने की औकात है, कॉन्सेंट्रेट करने की हैसियत है, तभी आपका रिजल्ट आएगा, तभी आपकी औकात खुद की बनेगी, स्टेटस आपका बनेगा, वरना चीजें चलती रहती है, दुनिया चलती रहेगी, आज तुम हो कल कोई और होगा, टाइम पास चलता रहेगा। बट इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रिएट द इम्पैक्ट, यू हैव टू बी फोकस्ड, वरना बात बन ही नहीं पाएगी। तुम चलते जाओगे, समय बीतता जाएगा, टाइम पास होता जाएगा, और कोई मतलब निकलेगा नहीं। लास्ट एंड फाइनल थिंग, देखिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसको मैं सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। आपकी प्रिपरेशन दो चीजों का खेल है, एक तो टाइम और एक एनर्जी। लाइफ भी इन दो चीजों से ही मिली हुई है, टाइम और एनर्जी। अगर मान लो
तुम्हारी उम्र 60 साल की है अभी, और 60 साल की उम्र में तुम्हें लकवा हो गया और तुम 90 साल तक जिए उसके बाद, तो 60 से 90 की उम्र को तुम लाइफ कहोगे क्या? क्योंकि जिंदगी तो थी लेकिन क्या नहीं थी, समय तो था लेकिन क्या नहीं थी, पैरालिसिस हो रखा है, तबीयत खराब है, एनर्जी नहीं है, जिंदगी कहोगे इसे? प्रिपरेशन में भी यही चीज है, आपके पास 2 साल का समय है लेकिन हर दिन आपकी तबीयत खराब रहती है, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, कोई ऐसा है जिसकी तबीयत रोज खराब रहती है? मैं ठीक कर दूंगा चिंता मत करो, हर दिन आपको हाई परफॉर्मिंग रहना है। आपका समय मैनेज होगा, अभी सर बता रहे थे DWAR से, और आपकी एनर्जी मेंटेन होगी स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन से, बेसिक फंडा है। क्योंकि बात सिर्फ 2 साल की नहीं है, मैं 100 साल की बात करने वाला इंसान हूं। बात 2 साल की नहीं है कि यहां 2 साल तैयारी करना है और कुछ कर लेंगे, आगे फिर क्या। आई एम क्लेरिफाइंग यू वेरी क्लियरली कि ये चीज आपको करनी ही करनी पड़ेगी, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका टाइम खराब होगा, आपकी एनर्जी खराब होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एनर्जी की बात चल रही थी कि आपकी फिजिकल एनर्जी है, ये आपकी सेक्सुअल एनर्जी है और ये आपकी मेंटल एनर्जी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, मुझे इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, ना टीचर कर पाएंगे ना पेरेंट्स कर पाएंगे, तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपसे बात कर लूं, आज ही कर लूं, मुद्दे को निपटा दिया जाए। एक एनर्जी आपके पास में है, दैट इज नॉन एज फिजिकल एनर्जी, सबके पास में, तभी तो यहां तक चल गया, सीढ़ियां चढ़ गया, लिफ्ट नहीं है इधर, अभी से लिफ्ट करना पड़ रहा है, लाशें लिफ्ट होती है, गलत कह रहा हूं यार, जवान लोग तो सीढ़ी ही चढ़ते हैं भाई। फिजिकल एनर्जी आप में है, उसको प्रिजर्व करो, चुप रहने का अभ्यास करो, कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है, जब तालाब में कोई मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो लपेटे में वही मछली आएगी जो मुंह खोल के बैठी है, उसी को कांटा लगेगा बाहर आ जाएगी। अननेसेसरी घर के आर्ग्यूमेंट्स में तुम तभी फंसोगे, अगर मुझे सारे धर्म ग्रंथों का सार एक बार में बताना हो तो मैं कहूंगा चुप रहो, क्योंकि जिसे बोलना आता है वो चुप रहते हैं, जिसे बात करना आता है अक्सर वो चुप रहते हैं, मतलब अगर पूछा जाए कि बताओ किसको बात करना आता है, जो चुपचाप बैठा उसको ढूंढो, उसी को बात करना आता है, नहीं करनी है फालतू की बकवास। क्योंकि तुम जब यहां से 6 घंटे पढ़ के जाओगे तुम बैग फेंकोगे घर पे जाते, मम्मी रोज रोज आते हो, रोज में ठंडी रोटी मिलती, क्या हो रखा है, एंड सो ऑन, यू विल वेरी फ्रस्ट्रेटेड। हर दिन 6 घंटे की क्लास से आपका पारा 7वें आसमान पे जाएगा, बैग फेंकोगे, ड्रेस फेंकोगे, चुप रहो, क्योंकि होश में वही है जो खामोश है। जिसने चुप रहना सीख लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। वरना घर में बहस करते रहोगे, दोस्तों से बहस करते रहोगे, तुम्हें टीचर चुप करवाते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा जिसका कोई सेंस निकलेगा नहीं। तो चुप रहोगे, बोलना ही नहीं है, चुप रहने का रिस्पॉन्स ऐसे देते हैं बोल के, चुप रहोगे आप, बस चुप ही है, खत्म बात, साइलेंस को, क्योंकि मौन एक सिद्धि है, अपने मौन को फॉलो किया तो एक सिद्धि अपने आप मिल गई, जिसको सिद्धि मिल गई उसको प्रसिद्धि मिल ही जाती है, ये तो फिक्स है। फिजिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और फिर मैं जो सर ने बताया अभी कि स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट को फॉलो करना है, तो इससे आपकी ये एनर्जी बढ़ जाती है चुप रहने से, और एसीडी को फॉलो करने से, साथ में डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन को फॉलो करने से। देखो एग्जाम इस एनर्जी से क्रैक होना है, अगर किसी की बॉडी खतरनाक होगी तो उससे एग्जाम क्रैक हो जाएगा क्या? अरे जोर से बोलो, आपने तो बोला मौन रहो, अब हम नहीं बोलेंगे, काम के समय बोलो।
जब बोलने की जरूरत हो तब भी तुम चुप हो तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है ना। एक वर्ड है मारवाड़ी में, मैं उसका इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकता, क्लासरूम में बैठोगे तब करेंगे इसकी बात। एक आपके पास में एनर्जी, आपकी सेक्सुअल एनर्जी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स, हर जना कंसर्न रहता है कि आजकल इंटरनेट पे कंटेंट ऐसा हो गया है, बच्चे गलत आदतों में लगे हुए हैं। पसीना भाव, गलत आदतों में वही लगेगा जिसमें एनर्जी होगी, और पसीना बहा दिया सब खत्म हो गया। तुम पसीना बहाओगे तो तुम गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहोगे, गलत चीजें नहीं बहाओगे, पसीना बहाओ। ये सब लोग, जितनी लड़कियां बैठी, जितने लड़के यहां बैठे, ध्यान से सुन लेना, ये हर एक केस में इंप्लीमेंट करना है। रूम के माहौल के ऊपर तो मैं बात नहीं कर पाया, इसकी मैं चर्चा करूंगा, तो आप देखोगे कि आपकी फिजिकल और आपकी सेक्सुअल एनर्जी आपकी मेंटल एनर्जी में हेल्प करने लगी है। आप फोकस्ड, आप कौन, क्योंकि मुझे पता है 11वीं क्लास में बच्चा सबसे ज्यादा आउट ऑफ ट्रैक जाता है ना, वो पेरेंट्स की सुनता है, टीचर्स हम तो सुना देते हैं, हमको पता है कैसे बात करनी है, बट वो पेरेंट्स की नहीं सुनता है, वो अपने दोस्तों की सुनता है, उसको लगता है कि टीचर्स बेवकूफ है, पेरेंट्स वो तो बच्चे हैं अभी, उनको कुछ नहीं पता, मैं साइंटिस्ट हूं, मेरा दोस्त नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है, हम दोनों ही जानते हैं सब कुछ, दुनिया हमारे आसपास ही घूम रही, सूरज हमारा पीछा कर रहा है, हम महाज्ञानी हैं, प्रकांड विद्वान हैं हम, बाकी सब मूर्ख है इस दुनिया में। ये गलतफहमी आ जाए 10वीं पास करते तो, क्योंकि बच्चे को बोला जाता है कि तू बोर्ड का बच्चा है, तू बोर्ड का बच्चा है, साल पटा है, बोर्ड का बच्चा है, बोर्ड का बच्चा है, तो किसी को पेरेंट्स मानना ही बंद कर देता है कि मैं तो बोर्ड का बच्चा हूं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता फिर। तो हमें यह समझ लेना है कि अगर आप आउट ऑफ ट्रैक जाओगे इसी क्लास में जाओगे, ऑन द ट्रैक रहोगे इसी क्लास से रहोगे। 11वीं क्लास जिंदगी बनाने वाली और जिंदगी बर्बाद करने वाली दोनों टाइप की क्लास है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। तो हमारे पास में फिजिकल एनर्जी है, हमारे पास में सेक्सुअल है, पसीना बहाना है इसके लिए चुप रहना है, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन पे फोकस करना है, तब ये मेंटल में कन्वर्ट होती है। इस चीज को ध्यान रखो, रूम का माहौल ढंग का रखो, उसमें बताओ वो कौन सा बैंड आता है आजकल, कोई साउथ कोरिया का कौन सा बैंड है, साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का, बच्चे कोई बैंड वालों की फोटो लगाए घूम रहे हैं, कोई किसी कैरी जो है चिनाती की फोटो लगाए हुए है, और पता नहीं क्या करे, कंटेंट चिपकाओ उसमें। एक आखिरी बात है जिसके साथ में चीजें फिनिश करूंगा, उसके बाद में अनुराग सर आपके पास में है, मेरी बहुत सारी बातें रह गई है, मैं बहुत सारी बातें डिस्कस नहीं कर पाया, वो ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कस होगी, बट एक बार की बात है कि सब कुछ मतलब जो रामायण की बात आपने सुनी होगी, तो श्रीलंका से भगवान श्री राम और सब लोग जीत जात के, युद्ध जीत जात के आ गए थे, उसके बाद में हनुमान जी ने देखा माता सीता को, माता सीता सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी ने पूछ लिया क्या चल रहा है, बोले सिंदूर है, बोले तो क्या करूं मैं, क्यों लगाते हो ये सब, तो उसने कहा कि मैं, उन्होंने कहा कि ये मैं भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखा रही हूं, निष्ठा को दिखा रही हूं, कि मैं उनके लिए समर्पित हूं। तो हनुमान जी ने अपने आप को सिंदूर से रंग लिया पूरा, तो बजरंगी कहलाए, बजरंग बली, माहौल बनाया भक्ति के लिए, माहौल बनाया। तो अपने रूम का माहौल बनाओ, बिना माहौल तुम नहीं पढ़ पाओगे। बजरंग मतलब पता है ना, सिंदूरी रंग। अपने रूम में आज से ही कुछ ना कुछ, सब लोगों के पास रूम है क्या खुद का सेपरेट? अरे कोई ऐसा तो नहीं जो छत पे जाके पढ़ता हो, कलम चिपका दिए थे उड़ गया। रूम का माहौल बनाओ, और ये सारी बातें हैं जो इंप्लीमेंट करनी है। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं, हालांकि मैं देख पा रहा हूं मैं बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, समय की कमी है इसमें भी। मुझे ये लोग कहेंगे कि आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, ये तो आप लोग का मुद्दा नहीं है, ये तो मैं पेरेंट्स से उम्मीद करता हूं कि वो आपका कंपैरिजन नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना। ये तुम लोग सोचो ना यार, मतलब अगर कोई, आप किसी एक कार को दूसरी कार से कंपेयर कर रहे हो, तो दिक्कत फैक्ट्री में कि कार में है?
एक ऑल्टो कार अगर रोल्स रॉयस से कंपेयर हो रही है, लेट्स सी कि बेटा तू तो ऐसा नहीं करता, तू पेरेंट्स खुद की बेइज्जती करते हैं अपने बच्चे की बेइज्जती करके। खैर ध्यान है सब लोगों, जोर से बोलो क्या लिखा हुआ है। योर अचीवमेंट सर, आपके अचीवमेंट आप देखो, है ना। यस, कौन है ये बच्चा? वेरी नाइस, ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब मैं तुमसे बात करूंगा तो योर लिखूंगा ना यार, और तुम जब मेरे से बात करोगे तो योर अचीवमेंट। इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं ये, अंग्रेजी मीडियम के, जिनको ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती। साइंस तो खैर तुम लोगों को सिखा दी जाएगी, ये सब लोगों को पता है। इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ कैसे करना है पता है? देखो शेयर मार्केट का रिटर्न आया नहीं आया, म्यूचुअल फंड का रिटर्न आया नहीं आया, खुद के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है और वो हजार गुना आता है। एंड दिस इज द ओनली वे, RSRM, SED, DHR, सो ऑन, ये कंसिस्टेंट इंटेलिजेंट की बात है और मैंने काफ़ी सारी बातें आप लोगों के साथ में डिस्कस की है। अब अनुराग सर आपके सामने आएंगे, और अनुराग सर IIT धनबाद से पास आउट है, मेरे स्कूल मेट रहे हैं, मेरे बैचमेट रहे हैं, तो वो एक बार IIT के बारे में, खुद ने सर ने IIT क्रैक किया है तो उसके बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करेंगे, और कई लोग अब बेहोश होने की स्थिति में होंगे। एनर्जी बची, यस और नो? यस सर। अरे जोर से बोलो यार। यस सर। देखो पहले दिन तुम क्रैश हो गए तो तुम्हारे और प्लेन में क्या डिफरेंस रहा? एनर्जी अपने को मेंटेन रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ क्या मैं? कई लोग तो साइड स्टैंड लगा के बैठ गए ऐसे, सब लोग मेन स्टैंड पर रहो, बिल्कुल सीधे साइड स्टैंड लगा, कोई नहीं बैठेगा। पेरेंट्स आप रेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई पेरेंट्स भी बिल्कुल सीधे हो गए, आप बिल्कुल रेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जितने बैठे हो भी रेस्ट करिए। अनुराग सर प्लीज कम एंड एनलाइटन द स्टूडेंट अबाउट द JEE एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ABK सर ने और हिमांशु सर ने आपको बताया कि क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है और बाकी सारी चीज़ें, ये आपको कैसे पढ़ाई करनी है। मैं बताऊंगा आपको प्रोसेस के बारे में, ठीक, चीज़ें कैसे प्रोसेस होगी, ठीक। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि JEE जो है, JEE की प्रिपरेशन एक युद्ध है। इट्स एन वॉर एंड इट शुड बी फॉट लाइक अ वॉर। युद्ध है और युद्ध की तरह ही लड़ा जाना चाहिए। आप युद्ध की तरह लड़ोगे तभी सफल हो पाओगे। ये पूरा जो टेंस अभी पास किए हैं तो आपके पास 2 साल का टाइम है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये जिंदगी के सबसे बहुमूल्य 2 साल हैं। ऐसे प्रीशियस 2 साल जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स कभी नहीं आएंगे। ये 2 साल की मेहनत आपकी जिंदगी की 20 साल का इम्पैक्ट लाती है। ये 2 साल की मेहनत आपकी जिंदगी में 20 साल का इम्पैक्ट लाती है। आपने देखा होगा अपने आसपास जो लोग 11th 12th में पढ़ाई करके अच्छे IITs या NITs या डॉक्टर्स बनते हैं, उनके लाइफ का आगे का स्ट्रगल खत्म हो जाता है। आप अच्छे IIT से पास आउट हो, MBBS हो या अच्छे NIT से पास आउट हो, तो आपको कॉलेज पास आउट होने के बाद लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना है। आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग जैसे काम करना चाहो, जिस सिटी में काम करना चाहो, जैसी लाइफ जीना चाहो, बहुत आराम से जी सकते हो।
आपको अपनी लग्जूरियस लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना होता है। मेरी फैमिली कैसे अच्छी लाइफ जिएगी इसके बारे में नहीं सोचना होता है। ये आपने अपने आसपास में अपने कजिन्स में ऑब्जर्व किया होगा कि कोई IIT से पास आउट है या NIT से पास आउट है या डॉक्टर MBBS है तो वो एकदम बढ़िया लाइफ जीन रहा है। उसकी लाइफ में अगर उसको और भी ऊपर बहुत जाना है वो मेहनत रहती है, बट बेसिक लग्जूरियस लाइफ के लिए उसको कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। उल्टा यही जो किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से पास आउट हो रहा है या फिर 2 साल यहाँ पर मेहनत नहीं की तो उसको लाइफ में अगले 15-20 साल तक स्ट्रगल करना पड़ता है। 10 to 20 ईयर्स उसको उस अच्छी पोजीशन में आने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये 2 साल बेसिकली इक्वेलेंट टू 20 ईयर्स है, 15 to 20 ईयर्स है, या आपके आने वाली जिंदगी के डिफाइनिंग ईयर्स है कि आप आगे क्या करोगे, किस डायरेक्शन में जाओगे, ये उनको डिफाइन करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को रियलाइज करो। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जो भी रहते हैं, मोबाइल, ये दोस्त लोग, बुआ के लड़के, बुआ के लड़के की शादी, मासा के लड़के की शादी, सब यहीं रहना है। 2 साल बाद भी दोस्त वही यहीं रहना है, पड़ोसी यहीं रहना है, बाइक यहीं रहनी है, फ़ोन और बढ़िया आ जाएगा, सब मिल जाएगा। फ़ोन अभी जो आ रहा है उससे बढ़िया फ़ोन मिलेगा 2 साल बाद, बाइक जो अभी तुम ला सकते हो उससे बढ़िया, कपड़े अभी जो पहन सकते हो उनसे बढ़िया मिलेंगे 2 साल बाद, सब कुछ वहीं रहेगा। बट ये 2 साल चले गए तो ये वापस नहीं आने। तो इन 2 साल की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं सारी प्रिपरेशन को एक एग्जांपल, एक स्टोरी से कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि कैसे एक्चुअल में JEE या किसी भी एग्जाम की, JEE नीट या UPSC किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर कि JEE में अथा स्कोप है। JEE या मैं इंजीनियरिंग बोलूँ, इसमें अथा स्कोप है। बस एक ऑपरेशन के अलावा इंजीनियर्स बाकी सारे काम करते हैं, ऑपरेशन नहीं करते, बाकी सारे इंजीनियर्स काम करते हैं। अभी एक मैं स्टेट्स देख रहा था कि यूपीएससी से बड़ा एग्जाम तो कोई है नहीं देश में, यूपीएससी से बड़ा एग्जाम देश में कोई नहीं है। UPSC में 64% इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं, UPSC में 64% इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं, जबकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को तो हिस्ट्री, ये जो है पॉलिटिकल साइंस, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। 10वीं क्लास में उन्होंने छोड़ दिया है तो प्रिपरेशन, 10वीं क्लास के बाद 11th 12th 3 साल 4 साल कॉलेज में उन्होंने तो कुछ इसके पढ़ा ही नहीं, फिर भी 64% इंजीनियर्स UPSC क्रैक करते हैं। इसका रीज़न ये 2 साल ही है, इसका रीज़न ये 2 साल है। इन 2 साल में उनमें अगर उन्होंने अपनी शिद्दत से मेहनत की है तो वो एप्टीट्यूड, वो लड़ने की क्षमता, जज्बा, पढ़ने की कैपेसिटी, लगातार 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हैं, और ये आत्मविश्वास और भावना कि मैं पढ़ के कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, ये डेवलप होती है इन 2 साल में। क्योंकि आप अपनी पूरी शिद्दत से सब चीज़ छोड़ के, त्याग बलिदान से उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है UPSC में इंजीनियर्स के सिलेक्ट होने का। क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी रहती है कि वो 12 घंटे पढ़ सकें, सिलेबस कोई सा ही हो जिसमें ये कैपेबिलिटी डेवलप कर ली, कोई सा एग्जाम हो, UPSC, ये तो एक UPSC बताया क्योंकि ये बड़ा एग्जाम है, कितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे हो SSC, तुम जितने भी गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स देखोगे भरे पड़े इंजीनियर्स, सारे एग्जाम्स में 800 की सीट्स खा गए, है ना, सारे 800 की सीट खा गए, सब में इंजीनियर्स ही जा रहे हैं, ठीक है। रीज़न बीइंग कि ये 2 साल यहाँ पर आपका IIT में हुआ नहीं हुआ, बढ़िया कॉलेज मिला नहीं मिला, बट आपने अगर शिद्दत से 2 साल तैयारी की है तो आप में वो एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को आगे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 साल में
बहुत लग के मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपकी लाइफ आगे बिल्कुल डिसाइड हो जाती है कि अपन कैसे प्रोसीड करेंगे। एक एबिलिटी और एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को अपनी मेहनत के दम पर जो है क्रैक कर सकते हो। अब अपन आते हैं असली बाहुबली के बारे में। एक स्टोरी से अपन जेई की प्रिपरेशन को देखना चाहेंगे। एक रेसलर था मिलो करके, लगभग 4000 BC की बात है, बहुत पुरानी बात है। रेसलर था मिलो, मिलो क्रोटोन इटली में जगह है, वहां से आते थे। तो क्या हुआ, जब ये अराउंड 14-15 ईयर्स रहे होंगे, 14-15 साल के थे, तो इनके घर पर बफेलो ने, है ना, बफेलो भैंस ने बच्चे को जन्म दिया, है ना। काफ बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में पाड़ा बोलते हैं, तो भैंस ने पाड़े को जन्म दिया। तो बफेलो जो है पैदा होते ही रहता है 40-50 किलो का, तो 40-50 किलो का रहता है। तो इनके घर पे उस टाइम जो है भैंस ने पाड़े को जन्म दिया। इन्होंने क्या किया कि ये डेली बेसिस पे उसको कंधे पे उठाते, धक धक धक, 1 किलोमीटर जाते 1 किलोमीटर आते। तो इनिशियली जो है वो 40-50 केजीज का था। उन्होंने रूटीन बना लिया कि भाई मेरे को इसको रोज उठाना है, सर पे रखना है, 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर आना है। अब जो है वो जो काफ था वो रोज कुछ ना कुछ खाता था, तो रोज उसका वजन बढ़ता था, रोज उसका वजन बढ़ता था, रोज उसका वजन बढ़ता गया बढ़ता गया। और इसका प्रैक्टिस था कि रोज उसको उठाना है सर पे, 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर आना है। तो जैसे जैसे वजन बढ़ता गया उसका, वैसे वैसे इसकी पावर भी बढ़ती गई। जैसे जैसे काफ का वजन बढ़ता गया और वो उसका प्रैक्टिस है कि उसको रोज उठाना है, तो उसकी पावर भी बढ़ती गई। तो इसने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखा, बीच में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होनी थी, रोज उठाना है, रोज उठाना है। कहीं कुछ भी दूसरा काम हो वो सब बाद में, है ना, बुआ के लड़के की शादी सब बाद में, रोज इसको उठाना है तो इसको ही ये काम तो करना ही करना है। 2-3 साल बाद 200-250 किलो का हो गया। कितने किलो का हो गया, 250 किलो का। और इसके तो वही था, उठा सुबह उठाया 1 किलोमीटर गया वापस आ गया। अब इसको 250 किलो उठाने में जो है प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि इसने इस प्रोसेस को रेगुलर रखा, कंसिस्टेंटली वो उस चीज पर काम करता रहा, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करता रहा। तो वहां पर उसकी पावर जो है वो रेगुलर डेली बेसिस पर बढ़ती गई और वो आराम से 200-250 किलो को उठा सकता था। यही हर एग्जाम की प्रिपरेशन में रहता है, ये सेम हर एग्जाम की प्रिपरेशन में रहता है। द डे यू डिसाइड, कि जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि मेरे को जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, उस दिन आपके घर पे पाड़े का जन्म हो जाता है। आपने डिसाइड किया कि मेरे को जेई का एग्जाम क्रैक करना है, आपके घर पे पाड़े का जन्म हो गया। अब उसको रोज उठाना है, अब उसको डेली बेसिस पे, कभी भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, डेली बेसिस पे उठो उठाना है। आप पहले दिन इनिशियली आराम से उठा लोगे, अगले दिन उसने कुछ खाया, अब उसका जो खा रहा है वो क्या है कि जो डेली क्लासेस में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, डेली क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है वो उस पाड़े का रोज का खाना है। अब तुम रोज उसको उठा, घर पे जाके चीजों को रिवाइज करोगे, चीजों को मेमोराइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो डेली बेसिस पे उसको उठाते जाओगे, आपकी एनर्जी और पावर भी उसके साथ डेवलप होती जाएगी। जैसे वहां पर हो रहा था कि वो रोज उठा रहा था, तो रोज उसकी पावर थोड़ी 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 बढ़ती जा रही थी। आप डेली बेसिस पे जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उसको घर पे जाके रिवाइज करोगे, प्रोसेस करते जाओगे, तो आपकी जो है पावर भी बढ़ती जाएगी। अब अगर आप ऐसे करोगे, भाई 7 दिन तक उठाया ही नहीं, तो वो खाना तो बंद करेगा नहीं, 7 दिन तक आपने उस पाड़े को नहीं उठाया, ऐसा तो नहीं है आपके चक्कर में खाना खाना छोड़ देगा और भूखा मर जाएगा। सेम ऐसा ही कि क्लास में पढ़ाना बंद नहीं होगा, आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, आप घर पे जाके चीज़ें रिवाइज करो या नहीं करो, क्लास में तो चलता ही रहेगा चीज़ें,
तो आप घर पे रिवाइज नहीं करोगे, 7 दिन बाद उस पाड़े को उठाने जाओगे तो आपकी कमर टूट जाएगी। 7 दिन आप पाड़े को उठाने जाओगे तो आपकी कमर टूट जाएगी। सेम यही होता है स्टडी में। 11th में इनिशियली बच्चा उतना मैच्योरली नहीं सोचता, वो बहुत बार ऐसा करता है कि एक दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, तो वहाँ पर पाड़े का वजन तो बढ़ता है और फिर आगे उसका दिक्कत आती है। या आप 7 दिन नहीं पढ़ोगे, फिर टीचर के पास अलग अलग घूमोगे, तो वो जो क्लास में पढ़ाया जाता ना आपको, अगर आपने 3-4 दिन नहीं पढ़ा, छुट्टी कर ली, ठीक है टीचर बाहर चीज़ों को पढ़ा देगा, बट वो वाली चीज़ नहीं हो सकती जो क्लास में होती है और क्लास के साथ चल रही होती है। कि क्लास में आपने पढ़ा, घर पे जाके रिवाइज किया, अगली क्लास में आए, गजब का समझ में आया, सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, वो चीज़ें फिर वैसे क्लास से साइड में टीचर ने पढ़ाया, क्लास में भी चल रहा है, डबल कंटेंट चल रहा है ना, पाड़े ने 2 दिन का खाना 1 दिन खिला दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दिमाग भी उतना फास्ट चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर सकता। दिमाग की कैपेसिटी होती है ना, दिमाग की कैपेसिटी है कि ये इतनी चीज़ों को प्रोसेस कर सकता है। अभी जैसे ये इनिशियली था, अब इनिशियली इसका वजन यहाँ पर मान लो 60-70 किलो था, 60-70 किलो था, तो ये 60-70 किलो को उठा सकता था। अब जब यहाँ 140 किलो है तो वो उस प्रोसेस से गुजरा है, उस प्रोसेस से गुजरा है जहाँ उसकी ताकत बढ़ती गई है और वो इस पोजीशन पे वो पहुँचा है कि 140 किलो को उठा सके, उसको प्रोसेस कर सके। अब आप 60-70 किलो उठा रहे थे और बीच में गायब हो गए और एक दिन 140 किलो उठा लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो सेम अपने दिमाग के साथ रहता है कि दिमाग सर्टेन कैपेसिटी रहती है कि इतनी चीज़ों को डेली बेसिस पे प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो आपको उतना ही कंटेंट देना है, वो उसी को प्रोसेस करेगा। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, सीरियल में कोई बढ़िया सा एक्टर का फोटो देखा, विद्युत जमाल को देखा है ना, जबरदस्त बॉडी है, तो आपने आप सोचो कि एक वीडियो देख रहे हो किसी का भी, किसी का नाम ले ले, एक सलमान खान का वीडियो देख रहे हो आप, मान लो सलमान खान को आप पहले से नहीं जानते, आपने सलमान खान का वीडियो देखा, उसके बाद में इधर आपको सलमान खान की फ़ोटो दिखाऊँ तो आप पहचान जाओगे क्या? पहचान जाओगे? तो आप एक वीडियो में कम से कम 40-50 लोगों की शक्लें देखोगे और उन 40-50 लोगों की शक्लों को पहचानने लग जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दिमाग में 40 लोगों की फोटो स्टोर हो गई है। तो जहां पर आपको पढ़ाई का कंटेंट स्टोर करना था, आपने सलमान खान की फोटो स्टोर कर ली है, जूही चावला की फोटो स्टोर कर ली। अब क्या होगा कि दिमाग की कैपेसिटी है तो आपने इतना सलमान खान, जूही चावला, इनको पढ़ लिया, अब इसमें पढ़ाई डालोगे, कैपेसिटी से बाहर जाएगी, तो वो चीजें शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर होगी कि आपने आज पढ़ा है कल भूल जाओगे। और दिमाग का क्या है कि जैसे मैं एक पेज दिखाऊं आपको, पेज दिखाऊं ऐसे सामने और हटा लूं, तो आप पेज में क्या लिखा हुआ था वो चीजें याद नहीं कर पाओगे, बट यही मैं एक फोटो दिखाऊं और फिर हटा लूं तो आप सबको याद रहेगी वो फोटो। तो पिक्चोरियल इमेज जो रहती है दिमाग की, वो बहुत ही जबरदस्त रहती है, पिक्चर को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करता है दिमाग। तो आप पढ़ते टाइम भी इसको ध्यान रखें कि पिक्चर्स के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में या फिर माइंड मैपिंग के थ्रू चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, तो वो लंबे टाइम तक दिमाग में रहती है। और सलमान खान इनकी फ़ोटो नहीं डालें, क्योंकि ये अपने दिमाग का बहुत बड़ा स्पेस यूज़ कर लेती है। फोटो ऐसे ही पेपर देखते हो तो वो दिमाग में स्टोर नहीं होता, बट फोटो देखते हो तो वो गारंटी स्टोर हो जाती है। इसलिए वीडियो कंटेंट जो भी देखते हो आप, वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, वो आपके दिमाग की स्टोरेज की यूज़ कर लेता है, फिर पढ़ाई टेम्परेरी बेसिस के लिए स्टोर होती है और थोड़े टाइम बाद गायब हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि पिक्चोरियल कंटेंट बिल्कुल नहीं देखें, मोबाइल सोशल मीडिया को यूज़ को बिल्कुल लिमिट कर दें। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने को क्या करना है कि ये 2 साल तक विदाउट एनी लीव, विदाउट एनी चाचा भुए के लड़के की शादी, 2 साल तक पूरा पढ़ाई करनी है। और अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये 40-50 किलो के भैंसे से, जो आपके 10वीं क्लास तक का कंटेंट है,
और अपने को अपनी ताकत को इतना बढ़ाना है कि अपन 250 किलो के भैंसे को उठा पाए, 250 किलो के भैंसे को उठा पाए। तो वो किससे पॉसिबल है? दो चीज है, एक तो हार्ड वर्क, दूसरा कंसिस्टेंसी। यही सबसे पावरफुल चीज है, हार्ड वर्क कंबाइंड विथ कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं करना कि एक दिन एक घंटा पढ़ा, एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया और सोच रहे कि अब 15 और 1 16 हो गया, तो अगर एवरेज वाइज देखें तो 3 दिन की पढ़ाई हो गई, है ना। तो वो एक्चुअली दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड है। आप 15 घंटे पढ़ लोगे, बैठ के पढ़ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर दिमाग में तो उतना ही कैपेसिटी है, वो चीज़ें तो उतनी ही स्टोर करेगा, उसके अलावा जो आप डाल रहे हो वो गायब हो जाएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे पढ़ना है और फिक्स्ड पढ़ना है कि 6 घंटे 6.5 घंटे जो अपन ने फिक्स किया है वो रेगुलरली अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 2 साल की जर्नी में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है मोटिवेशन की, कि बच्चे इनिशियली आते हैं 11वीं क्लास में, तब तो इस मूड में रहती हूँ एकदम जेई नीट सब फोड़ फाड़ देंगे, ठीक है। 2 महीने बाद सब जोश गायब हो जाता है, 1 महीने बाद सब जोश गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोल मॉडल नहीं बनाते। आपके रोल मॉडल हनी सिंह बादशाह, ये एलविस यादव, ये बना लिया आपने, तो यह आपको वो सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं ना, ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके, ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके। आप महाराणा प्रताप को बनाओ, आप राणा सांगा को बनाओ, आप अब्दुल कलाम को बनाओ अपना रोल मॉडल, ठीक है, आप आला उदल को बनाओ, उनके बारे में पढ़ो थोड़ा थोड़ा, तो आपके अपने आप एनर्जी रहेगी। मैं अभी भी आपने किसी ने सुना होगा महाराणा प्रताप से रिलेटेड एक पोइम है पाथल और पीतल, अभी भी मैं सुनता हूँ तो ऐसी एनर्जी आ जाती है, पहाड़ उठा के फेंक देंगे। तो वो आप वो रियल कंटेंट है ना, आप कोई सिंचन देख रहा है ना, तो वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता आपके, है ना। आप पीतल हो पातल सुनो, कृष्ण की चेतावनी है किसी ने सुनिए दो, ऐसी चीज़ें सुनो, हूँ भूख मरूँ हूँ प्यास मरूँ, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाले में भटकूँ पर मन में मायड़ दी याद रहे, तो वो एनर्जी फील करते हैं, वो एनर्जी आएगी तभी मोटिवेशन आएगा। आपको कोई भी आपको 2 साल तक मोटिवेट नहीं रख सकता, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी आपको 2 साल तक मोटिवेट नहीं रख सकती, वो इंटरनली आनी पड़ेगी। वो इंटरनली कहाँ से आएगी? आप किसी ग्रेट आइडल बनाओ, उसको फॉलो करो, तो उसकी जीवनी पढ़ोगे उसकी, तो वहाँ से वो चीज़ें आपको इंस्पायर करेगी। आला उदल की खूब आला उदल की देखोगे तो खूब लड़ाइयाँ महोबा वाले, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खोफ खाए मर जाए, तो ऐसी चीज़ें पढ़ोगे आप, उनकी हिंदी अर्थ समझोगे तो बहुत सारी एनर्जी आएगी। तो एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स वाली आपको ड्राइव नहीं कर सकती, आपको इंटरनली एनर्जी लानी पड़ेगी। इंटरनल एनर्जी कहाँ से आती है? वो आप किसी को अपना आइडल बनाओगे, उसके बारे में रेगुलरली पढ़ोगे, वीडियो नहीं देखना उसका, उसके बारे में बुक से पढ़ना है, भगवान श्री राम के बारे में पढ़ो, जो भी आपके रिलीजियस के बारे में उनके बारे में पढ़ो, तो एनर्जी वहाँ से आएगी। भगवान श्री राम को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी में, जैसे सर ने बताया कि श्री प्रीफिक्स कैसे लगा, भगवान प्रीफिक्स कैसे लगा, तो आप अपने आप मोटिवेटेड रहोगे। नहीं तो दूसरे का मोटिवेशन 7 दिन 10 दिन, घर वालों की डांट 7 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा मोटिवेट नहीं रख सकती। अपनी जर्नी है 2 साल की, तो 2 साल की जर्नी के लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच अनिकेत जी। धन्यवाद सर। एक बार पुणे में डॉक्टर हिमांशु ओझा सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सर, हालांकि आज मैंने अपने संबोधन की शुरुआत जो की थी वो धन्यवाद से ही की थी कि आप लोग अच्छे लिसनर हैं, अच्छे सुनने वाले लोग हैं, और वही आपने किया आज, सुना इतनी देर बैठ करके।
हालांकि कई बार हमने जिंदगी में 3 घंटे की मूवीज जरूर देखी होंगी, है ना। तो आज ये मत सोचना कि हम आए थे 11 बजे, 2 बज गए, लेकिन वो 3 घंटे की जो मूवी हमें सीख नहीं देती है जीवन को चलाने के लिए, सफल होने के लिए, नीट जेई जैसे बड़े एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, वो आज आपको यहाँ पे मिली है। अब जो बच्चा उन्हें ढाल लेगा, जो उन्हें हमेशा आगे फॉलो करेगा, वो नीट जेई तो क्या, कितने भी बड़े एग्जाम, क्योंकि जिंदगी पूरा टेस्ट है। आज बैठ करके माइनर टेस्ट दे रहे हो, मेजर टेस्ट दोगे, बूढ़े हो जाओगे तो ब्लड टेस्ट दोगे, टेस्ट तो हमेशा चलेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, सीखना है, आगे बढ़ना है। और आज जाकर, क्योंकि संडे है, शाम में आप जरूर से इस इंस्टीट्यूट, जहां के लिए आप पहुंचे हो, सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर में श्रीनगर रोड पे अभी आप बैठे हैं, ऐसे ही वैशाली नगर से भी हमारे को कुछ पेरेंट्स देख रहे हैं, एक ब्रांच हमारी वहां पे ओपन हुई है, वहां पर भी इसी तरह से पढ़ाया जाता है नीट जेई, और 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पढ़ाई की जाती है। कोटा और सीकर में हमारे मेंटोरशिप सेंटर भी हैं, जिसमें हम बच्चों को गाइड करते हैं गाइडेंस के लिए। और कोटा में रिसेंटली हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन किया है कोटा मेंटर्स के नाम से, क्योंकि बच्चे जगह जगह से कोटा पहुंचते हैं। अजमेर का बच्चा या अजमेर के आसपास का बच्चा, अब कोटा जाने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि कोटा में भी हम ही लोग हैं, वहां भी बच्चा हमसे पढ़ने आ रहा है। तो यहां पर वो सारी फैसिलिटी ऑलरेडी सर ने आपको बताया कि हमारा कंटेंट आज जाके सर्च करिएगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, एनसीईआरटी निचोड़, एनसीईआरटी फील, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में आपको ऐसी बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, ये सब हमारा कॉन्टेंट है जो यहां के टीचर्स हम ही सब लोगों ने लिखा है, और आज पूरे इंडिया में बच्चे इसे फॉलो कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा है। आज जाकर आप YouTube चैनल देखिएगा, नीट काका JEE, NEET नीट, KAKA एंड देन JEE, इसे देखिए, कंटेंट समझ में आएगा, किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों बच्चा 20 स्टेट से यहां पे आके पढ़ रहा है, 20 स्टेट्स यहां पर आके बच्चा पढ़ रहा है, 20 लास्ट ईयर था, इस बार हम मानते 25 से 26 स्टेट हो जाएंगे जहां से बच्चा यहां आएगा, ऑफलाइन यहां पर आके क्लास में पढ़ता है वो, क्यों, अजमेर जैसी जगह पे, जहां आपको पता है हॉस्टल भी नहीं है। 4 साल पहले जब पहला बच्चा आया था यहां पे, चला गया पहला बच्चा भी, क्यों, क्योंकि हॉस्टल नहीं था, उसके रहने के लिए खाना नहीं था जैसा वो चाहिए। बंगाल का बच्चा, उसको कौन सा खाना चाहिए, राजस्थान में उसे नहीं मिलता। जब हमने यहां के लोगों को समझाया तो आज जाके उस कंडीशन में आए कि इसी साल इतने सारे बच्चे लगभग 100 के आसपास बाहर से, दूसरे स्टेट से आए, रहे इन जगह पे जहां आपको पता है ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, पर सिखाया, क्योंकि हमारा यह भी उद्देश्य है कि अजमेर को फिर से शिक्षा नगरी बनाए, और न केवल शिक्षा नगरी बने, यहां पर एम्प्लॉयमेंट आए, जब हॉस्टल खुलेंगे, मैस खुलेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी तो आएगा, तो हम उस उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आज जाइएगा नीट काका JEE चैनल भी देखिएगा, OTT भारत, जिसके लिए सर ने आपको बताया, युवाओं के लिए, यूथ के लिए ये एक चैनल है हमारा यूट्यूब पे, उसे देखिए, समझिए कि हम किस लेवल का काम कर रहे हैं, क्यों बच्चा हमसे जुड़ रहा है, दूसरे देशों से भी, न केवल इंडिया से, दूसरे देशों से भी बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं और हमारे से गाइडेंस लेते हैं। तो आज आप यहां आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको, जो बच्चे स्टार्टिंग में आ गए थे, हमने जीत की रणनीति दी थी जिससे उनका समय बर्बाद ना हो, कुछ देर बैठ के वो पढ़े किताब जीत की रणनीति, जिन्हें नहीं मिली वो साथ अपने, हमारे तरफ से एक गिफ्ट है, लेकर के जाएं जीत की रणनीति, आप भी, पेरेंट्स भी, सब घर में पढ़े उसे, और आपका दिन, आपका वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद।